पिछले कुछ रविवार से हम लोग भगवान के काली दमन लीला पे चर्चा कर रहे हैं और हमने जहाँ पे रोका था वहाँ पे हम फिर शुरू करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे कैसे सुखदेव गोस्वामी बड़े ही संक्षेप में उस लीला को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने परीक्षित महाराज से कहा कि काली जमुना में काले कृष्ण खुद गए और काले सर्प को, कालिया को वहाँ से निकाल बाहर किया। और फिर परीक्षित महाराज ने निवेदन किया कि नहीं, आप ये कथा संक्षेप में मत बताइए, मुझे और भी जानने की जिज्ञासा है। और परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये कालिया सांप जो इतने युगों से इस यमुना नदी में रह रहा था, उसको कृष्ण ने कैसे भगाया वहाँ से। और फिर उन्होंने एक श्लोक ये भी बोला कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको भगवान की कथा सुनने में संतृप्ति मिल जाए, सबका इच्छा होता है कि और सुने और सुने, ऐसा कोई नहीं है जो बोलेगा कि बस काफ़ी है, तो कृपया करके आप विस्तार में सुनाइए। तो अब सुखदेव गोस्वामी बोलते ठीक है, फिर वो विस्तार में सुनाना प्रारंभ करते हैं। और मुझे जहाँ तक याद है हमने वहीं रोका था रविवार कि अब वो संक्षेप में नहीं बता के विस्तार में पूरी कहानी शुरू करेंगे, तो हम भी वहीं से शुरू करते हैं। तो अब चले वृंदावन। हाँ गीता माता जी, रिक्शा वालों से बात करिए, अंग्रेजी मंदिर से कालिया दह तक कितना लेंगे? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, शरीर को यहीं छोड़ेंगे, मन से चलेंगे सब वृंदावन। सो मन से अब हम पहुंच जाते हैं वृंदावन धाम। अब हम आ गए हैं एकदम कालिया दह के पास, कालिया हृदय के पास, और यहाँ पे अब ये क्या सीन हो रहा है हम देख रहे हैं। श्री शुक उवाचा, कालिंद्यम कालियस्यासित हृदा कश्चिद् विषाग्निना श्राप्यामनापया यस्मिन् पतन्ति उपरि गा खगा। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी अब फिर से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से बोल रहे कि ऐसा यमुना की जो नदी थी उसके जो अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, उसमें से एक स्ट्रीम था जो कालिया नाग जिसके अंदर में रहता था, और क्योंकि वहाँ पे कालिया नाग रहता था वो जो झरना था वो बहुत विष से भर गया था। यहाँ पे कहते हैं कि इतना ज़्यादा विष था कि वो विष के वजह से लगता था जैसे कि पानी उबल रहा है। कवि कर्णपूर्ण अपने कमेंट्री में कहते हैं कि कालिया सांप के वजह से वहाँ इतना ज़्यादा विष था कि ऐसा लगता था कि किसी ने आग का गोला पानी के अंदर डाल दिया है, पानी उबलता हुआ दिखाई पड़ता था, उतना ज़्यादा उसमें विष भरा हुआ था। और वहाँ उबलते हुए पानी से जो भाप निकलती थी, वो भाप के छूने से भी जो पक्षी वहाँ ऊपर से उड़ते थे वो भी मर जाते थे, ऐसा था वहाँ का दृश्य। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो काली अहृद था वो यमुना का मेन नदी के साथ कनेक्टेड नहीं था, एक छोटा सा साइड प्रवाह था, क्योंकि अगर पूरी यमुना नदी दूषित हो जाती तो मथुरावासी भी तो मर जाते हैं, क्योंकि यमुना नदी तो मथुरा तक जाती है ना। तो बोलते ये तो एक छोटा सा स्ट्रीम था जो यमुना से एक अलग स्ट्रीम था जिसमें कालिया निवास कर रहा था। विप्रुष्मत विषादर्मी मारुतेनाभिमर्षिता म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिना स्थिर जंगमा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब पानी विषैला है लेकिन आसपास के झाड़ कैसे मर गए, पानी विषैला है तो आसपास के झाड़ कैसे मर गए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो जो हवा का जोखा, वो जो हवा का जोखा पानी को छूता और फिर पानी में से थोड़ी बूंदों को उठा के ले जाता और तट पे गिरा देता, तो वो पानी जब तट पे जो घास पेड़ पौधे होते उन सबको मार देता। हम देखते हैं ना हवा का जोखा कितनी सारी चीज़ें उठाता है, कभी कभी कोई अच्छी सुगंध, कभी कभी कोई दुर्गंध, कभी पानी के छींटे। तो ये हवा ने क्या किया है, उस विषैली नदी का थोड़ा सा छींटा जो है बाहर में फेंक दिया। यहाँ पे वैष्णव आचार्य कमेंट्री में बोलते हैं कि इससे सीखने वाली बहुत अच्छी बात है, कभी कभी जब हम शास्त्र का ज्ञान लेते हैं, हम समझते हैं, तो हम जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो अवैष्णव होते हैं, उनके साथ हम संग करना छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ तक वो सीमित नहीं है।
अगर हम किसी भक्त से संग करते हैं और वो भक्त अगर किसी ईर्ष्यालु आदमी के साथ संग करता है तो भी हम डेंजर में हैं। समझ में आ रहा है? ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी होने से क्या होगा? ए इज इक्वल टू सी बन जाएगा ना। तो हम तो शायद कोई अच्छे भक्त के साथ संग कर रहे हैं, वो भक्त अच्छा है, लेकिन वो भक्त शायद किसी ऐसे लोग के साथ संग कर रहा है जो ईर्ष्यालु है, तो फिर हमें भी उसका प्रभाव पड़ेगा। कितना केयरफुल रहने की बात बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी, कितनी इम्पोर्टेंट बात। संग करना, किसके साथ हम संग करेंगे, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हम पानी पीते हैं तो भी 10 बार सोचते हैं कि ये पानी कौन से कंपनी का है, कहीं मेरे थ्रोट ख़राब तो ना हो जाए, उसी तरह से हम जिसके साथ संग करते हैं हमें 1000 बार सोचना चाहिए कि मैं जो इसके साथ बात कर रहा हूँ क्या ये ठीक है, क्या इसके साथ संग करना ठीक होगा। क्योंकि कभी कभी अगर वो अच्छा भी हो, लेकिन अगर वो किसी बुरे आदमी के साथ संग करके आया है तो उसका प्रभाव, उसकी हवा आप पे ज़रूर फैलाएगा। अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव, सब कुछ पावरफुल है। अगर कभी हम किसी अच्छे लोग के साथ संग करें तो भी उतना ही प्रभाव है, और बुरे लोग के साथ संग करें तो बुरा भी उतना ही जल्दी हमें पकड़ लेता है। अच्छा भी, जब हम कोई अच्छे भक्त के साथ, शुद्ध भक्त के साथ संग करें, तो अगर वो केवल कुछ घंटों का या कुछ मिनटों का भी हो, या शास्त्र में तो कहते हैं लव मात्र साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र माने एक सेकंड के भी बहुत सारे भाग आप कर दो, उतना भी अगर आप किसी शुद्ध भक्त के साथ संग करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। उतना भी, लव मात्र, बस थोड़ा सा, तो भी उनकी जो हवा है वो फैलेगी। ये तो एक इन्फेक्शन है ना, कृष्ण प्रेम भी एक इन्फेक्शन है और वो बहुत ज़्यादा कंटीजियस है। किसी इन्फेक्शियस पर्सन के साथ थोड़ा देर रहोगे तो वो इन्फेक्शन आपको लग जाए। किसी कृष्ण भक्त के साथ, कृष्ण प्रेमी के साथ आप रहोगे तो आप भी कृष्ण भक्त बन जाओगे, क्योंकि वो इन्फेक्शियस है, कंटीजियस है। तो जिसके साथ हम संग करते हैं हमें बहुत केयरफुल रहना है, और उसी तरह से जिस तरह से हम बुरे लोगों की संग से दूर रहते हैं, अच्छे लोगों की संगत पाने की लोभ होना चाहिए मन में। अगर कभी कोई चांस मिले किसी वैष्णव का संग करना, तो उसके लिए हमें लोभ होना चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और संग करना है। क्योंकि लव मात्र साधु संग भी हमारा जीवन सफल कर सकता है। पुराणों में एक कथा आती है, कैसे एक आदमी बहुत पापी था, बहुत ज़्यादा पाप करता था, कभी कुछ अच्छा काम किया नहीं। अंत समय यमराज उसको लेने के लिए आ गए, यमदूत को भेज दिया। अब जब यमदूत उसको लेने के लिए तैयार हो गए तो उसने क्या किया, उसके घर में तुलसी का पौधा था, उसने तुलसी के पौधा को पकड़ लिया, बोला तुलसी महारानी मुझे बचाओ, तुलसी महारानी मुझे बचाओ। अब यमदूत तो उसको छू नहीं सकते क्योंकि उसने तुलसी को पकड़ा हुआ है, पता है ना तुलसी को छूने से तो यमदूत हमें, इसलिए तो हम पहनते हैं ना, प्रभुपाद जी सब सोच समझ के हम लोग को दिया, इसलिए हम पहनते हैं ना, तो यमदूत तो नहीं छू पाएंगे क्योंकि तुलसी है। अब यमदूतों को आ रहा है गुस्सा, इतना पापी है और ये अभी तुलसी को पकड़ के बैठा है, तुम एक बार छोड़ दो, वो तो नहीं छोड़ रहा है। बोला एक मिनट के लिए इधर आओ, तुमसे कुछ बात करना है, इसको लेके आऊँगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुलसी के पौधे को। अब यमदूत चले गए, वो लोग सब यमराज के पास चले गए, अब हम करें तो क्या करें। फिर यमराज खुद आए, बोला एक मिनट मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरे पास आओ। तो वो जहाँ जा रहा है तुलसी का कुंड को लेके घूम रहा है। यमराज बोला ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो ब्रह्मा के पास गया, बोला परमपिता तो आप ही है, अब आप ही इसका सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि बंदे ने पाप तो बहुत किया है, इसको आना तो मेरे लोक में ही पड़ेगा, लेकिन तुलसी को नहीं छोड़ रहा है, मैं करूँ क्या। तो ब्रह्मा जी गए, उसको समझाए, बेटा देखो एक मिनट एक आओ मेरे साथ, तुम कुछ बात करो। बोलते मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तुलसी महारानी को छोड़ के नहीं आऊँगा। अब ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, अब शिव जी आए, उसको समझाने लगे, बोला तुम एक मिनट के लिए छोड़ो तो सही, मैं खुद आया हूँ तुमको बुलाने के लिए। वो नहीं आ रहा है। अब ये लोग सब ने प्लान किया कि भाई ये तो हमारी बात सुन नहीं रहा है, एक काम करते इसको जो है विष्णु भगवान के पास ले जाता, यही उसका सोल्यूशन निकाल सकेंगे। तो बोला तुम चलो हमारे साथ। तो नहीं, बोलता मैं किधर भी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा मेरे घर में तुलसी को पकड़ के।
अब ये लोगों ने बोला कि ये तो हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो क्या किया, चारों ने उसको पकड़ा, एक पालकी के अंदर में तुलसी महारानी के साथ डाला, और एक साइड शिव जी पकड़ रहे, एक साइड ब्रह्मा जी पकड़ रहे, पीछे यमराज के दो दूत पकड़ रहे, और उसको जबरदस्ती लेके चले गए वैकुंठ। अब वहाँ जाके विष्णु मूर्ति को बोला कि देखिए भाई, इसका कोई सोल्यूशन निकालिए, ये तो तुलसी महारानी को छोड़ ही नहीं रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा है, अब हम करें तो क्या करें। अब विष्णु जी हंस रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हम इतने बड़े प्रॉब्लम में आपको हंसी आ रही है, मतलब मुझे तो यही हंसी आ रही है कि तुलसी महारानी की कृपा तो देखो, एक पापी आदमी को डोली में बिठा के शिव जी, महेश जी, यमराज खुद वैकुंठ लेके आ गए, खुद ही वैकुंठ लेके आ गए, ये देखिए तुलसी महारानी की कृपा। और फिर विष्णु जी बोलते हैं कि जब ये वैकुंठ आ ही गया है तो आपको तो पता है वैकुंठ का रूल, एक बार यहाँ आने वाले का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, उसको और वापस जाना नहीं, अब तो वो यहीं रहेगा, आप लोग जाइए अपना अपना काम करिए। तो लव मात्र उसने क्या किया, इतने पाप किए थे, लेकिन तुलसी महारानी की शरण ले ली तो तुलसी महारानी ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया। तो जिसके भी साथ जो है, थोड़ा बहुत भी अगर साधु के साथ हम संग करते हैं तो उसका इतना बड़ा प्रभाव होता है। वैष्णवों के संग के लिए लोभ करना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो आपके जीवन में कि आपको वैष्णव का संग करने का चांस ना मिले, तो घर में तुलसी महारानी रखनी चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी तो परम वैष्णवी है, उसका संग करना चाहिए, उसके संग से भी हम अच्छे भक्त बन जाते। तो यहाँ बोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ईर्ष्या से भरा हुआ हो, ऐसे लोग से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो ईर्ष्या हम में भी आ जाएगी, और जिस दिन हम में ईर्ष्या प्रवेश करेगी तब क्या होगा, हम भक्तों की निंदा करना शुरू कर देंगे। जब हम उन पर ईर्ष्या करते हैं फिर हम उनकी निंदा करते हैं, और जब हम भक्त की निंदा करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, तब हमारे जीवन में दो चीज़ होती है, एक हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ क्यों रही है, पहले इतने में खुश थे, अभी और हो तो भी हम शांति नहीं है, भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती है। और जब हम भक्त की निंदा करना शुरू करते हैं, उसका दूसरा आफ्टर इफेक्ट है कि हम वैष्णव के संग से दूर हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, कुछ ना कुछ ऐसा हमारे जीवन में आ जाता है कि हम वैष्णवों के संग से दूर हो जाते हैं, या तो तबीयत खराब हो गई, दूर जाना पड़ा, या तो जॉब ट्रांसफ़र हो गया, बस कुछ ना कुछ होगा आपके जीवन में, आप वैष्णव के संग से दूर हो जाएंगे। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम केयरफुल रहे, कि हम असत लोगों का संग ना करें, जिनकी डिजीज़ हम में ट्रांसफ़र हो जाए और हम कोई गलती कर बैठे, हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रोग्रेस को हम हैम्पर ना करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हवा का झोंका भी थोड़ी सी बूंद को जो पानी की लेके आया है, आसपास के सारे झाड़ और सब कुछ मर गए। बाद के श्लोक में चले जाते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीधर स्वामी के कमेंट्री दी गई है हरिवंश पुराण से। श्रीधर स्वामी बताते हैं पूरा डिटेल में कि ये जो कालिया का हृदय था कितना बड़ा था। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ये सारे डिटेल्स नहीं बताते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज तो उनके फैमिली मेंबर थे ना कृष्ण के। परीक्षित महाराज कौन है? अर्जुन के ग्रैंडसन है, तो उनको तो ये कथा कितनी बार वो जो सुन चुके हैं, और वो तो सारे वृंदावन की जगह जानते हैं ना। अब जब हम आपको अगर बताना चाहे कि भाई सागर नगर, तो इतना डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा, आप तो आते रहते हो ना, कोई नया आदमी आए तो बताना पड़े, इसलिए उनको डिटेल में नहीं बता रहे, बस वही कालिया हृदय में तुम तो जानते हो, उसके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य में श्रीधर स्वामी की कमेंट्री देते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो कालिया हृदय था वो बहुत बड़ा था, 8 माइल चौड़ा था, बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा गहरा था। और बता रहे हैं कि इवन डेमी गॉड्स, देवताओं भी वो कालिय हृदय को पार नहीं करते थे, उतना ज़्यादा विष बाहर में भाप के रूप से निकलता था। और बोल रहे कि उसके आसपास जो तट था, वो तट में भी बहुत सारे छेद बने हुए थे। अब छेद में बहुत सारे छोटे मोटे सांप रहते थे, तो मतलब राजा सांप था वो जो यमुना नदी के अंदर रहता था, और आसपास तट में जो छेद थे वहाँ पे छोटे छोटे सांप रहते थे, तो इसलिए वहाँ आसपास में कोई आता नहीं था। और बोल रहे हैं कि इवन दूर से भी देखने के लिए पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, किसी को वहाँ आने का दिल नहीं करता था। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि
कालिया के पास एक सिद्धि थी जिसका नाम था जलस्तंभ। वो अपनी सिद्धि से पानी को भी सॉलिड बना देता था, तो पानी को सॉलिड बना के उससे एक अच्छा महल बना के अंदर में पानी के वो रहता था। जलस्तंभ उसकी जो एक मिस्टिक पावर थी। नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं। तम चंद वेग विषवीर्यम अवेक्षतेना दुष्टम नदीं च खल संयमान अवतार कृष्णा कदम्बाधि इरुय ततोति तुंगम अस्फोत्य गदारसानो नपताद विशोदे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि ये कालिया हृदय के बारे में तो आप सबको वृंदावन में पता है, फॉरबिडन जगह है, वहाँ पे प्राय कोई जाता नहीं है, सबको पता है वो। और अब कृष्ण सोच रहे हैं मन में कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरा अवतार ही हुआ है दुष्टों को सजा देने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए, तो अब मुझे ये करना पड़ेगा। मेरे जो व्रजवासी भक्त हैं वो सब सफ़र कर रहे हैं और उस जगह में जाके खेल नहीं पा रहे हैं सारे गोप सखा, तो मुझे इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, कृष्ण एक छोटा सा लीला करते हैं वहाँ पे, उसी नदी के थोड़े दूर में ये सब खेल रहे हैं गेंद से। और जब गेंद से खेल रहे हैं तो एक दूसरे पे जो है गेंद फेंकनी है, और जब कृष्ण की बारी आती है गेंद फेंकने की तो बड़ी दूर में गेंद फेंकते हैं और वो गेंद जाके कालिया की नदी में, कालिया दह में गिर जाती है। अब जब कालिया दह में गेंद गिर जाती है तो सारे गोप सखा एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। अब वो जिसकी गेंद थी वो तो शोर मचाने लगा कि मुझको तो मेरी गेंद चाहिए, कृष्ण तुमने इतनी दूर फेंकी क्यों, अब तुम ऐसा करो मुझको मेरी गेंद वापस दो। अब कृष्ण को तो यही चाहिए था कि तुम बोलो ऐसा कि मुझको मेरी गेंद वापस चाहिए तो मैं अभी खोदूँ और गेंद लेके आ जाऊँ। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, तुमको तुम्हारी गेंद चाहिए तो मैं जाता हूँ, खोदता हूँ और गेंद लेके आ जाता हूँ। अब दूसरे सखा बोलते कि तुम पागल तो नहीं हो गए, कृष्ण को तुम कहाँ भेज रहे हो, तुमको तुम्हारी पास तुम्हारी गेंद अंदर में चली गई तो मैं अपनी गेंद तुमको दे दूंगा, लेकिन कृष्ण को तुम वहाँ जाने से मना करो क्योंकि वो तो कालिया दह है और वहाँ पे कृष्ण जाएंगे तो कालिया उसको उनको अटैक करेगा, उसको मार डालेगा। लेकिन कृष्ण की योग माया शक्ति है, जानबूझ के पूरी लीला भगवान कर रहे हैं, तो वो गोप सखा नहीं मान रहा है, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। अब ये सब बातचीत चल रही है, उसके बीच में कृष्ण क्या करते हैं, कहीं किसी का माइंड चेंज ना हो जाए, एकदम वेग में स्पीड में एकदम फटाफट कदम का झाड़ चढ़ के खुदने के लिए तैयार। जिस कदम्ब के झाड़ पे कृष्ण चढ़े थे, अभी भी अगर हम वृंदावन जाए तो वो कदम्ब के झाड़ का दर्शन हम कर सकते हैं। जो हमारे साथ वृंदावन आए हैं उन्होंने तो देखा होगा, बहुत बार हम जाते हैं उस कदम्ब के वृक्ष को, हम प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और पहले यमुना जी की जो प्रवाह था, नदी थी, वो कालिया दह के पास से गुजरती थी, लेकिन अब प्रवाह चेंज हो गया है, बहुत सारे बांध बना दिए हैं तो वहाँ तक नदी आती नहीं है। बट पहला का सीन ऐसा था कि अगर आप 1982-83 के भी YouTube में वृंदावन के वीडियोस देखो तो वो जो कदम्ब का झाड़ है उसके पास से जो है पानी यमुना जी का चला जाता। और वो पर्टिकुलर हृदय जहाँ पे कालिया था, नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर में बोलते हैं कि अगर उस कालिया दह में कोई स्नान करे तो उसके जीवन में दो चीज़ होगी, एक तो सारे पापों से विमुक्त हो जाएंगे और दूसरा अगर कोई व्यापारी हो तो उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। कितने लोग यहाँ पे व्यापारी हैं, टिकट बना लीजिए वृंदावन के लिए, व्यापार बढ़ जाएगा, ऐसा नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण तैयार हो गए, कदम्ब झाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब किसी को ये प्रश्न आ सकता है कि माता जी, जस्ट प्रीवियस श्लोक में आपने बोला कि वहाँ आसपास में कुछ नहीं था, फिर ये कदम्ब का झाड़ आया कहाँ से? आपने बोला ना घास थे, ना पौधे थे, ना कोई वृक्ष था, तो ये कदम्ब का झाड़ कहाँ से आ गया? तो वैष्णव चक्र ठाकुर कहते हैं कि ये जो कदम्ब का झाड़ है, ये कदम्ब का झाड़ ने अमृत पिया था, इसलिए उसका कभी क्षय नहीं होता है, इसको अक्षय वट कहते हैं, मतलब ये कभी नहीं मरता है। पुराणों में कथा आती है कैसे कश्यप मुनि की दो पत्नी थी, बहुत सारी पत्नियाँ थी, उसमें से दो पत्नी थी कद्रु एंड वनिता। तो एक दिन दोनों नदी में नहा रहे थे,
जब नदी में नहा रहे थे तो दूर से देखा कि झाड़ियों के पीछे एक सफ़ेद घोड़ा है। तो अब वनिता ने कहा कि ये घोड़ा तो बहुत सुंदर है। तो कद्रू ने कहा कि घोड़ा सुंदर तो है लेकिन घोड़े की जो पूंछ है वो काली है। वनिता ने कहा कि सफ़ेद घोड़े की पूंछ काली क्यों होगी भला, सफ़ेद घोड़े की पूंछ तो सफ़ेद है। कद्रू ने कहा नहीं, घोड़े की पूंछ तो काली है। अब दोनों जो है नदी के उस पार जाके घोड़ा देखना पड़ेगा ना सच क्या है। अब दोनों जो है थक गए थे तो बोला आज तो हम यहाँ तक स्विम करते हुए आए हैं, हम कल फिर आएंगे, कल सुबह देखेंगे उसका हम जो है निश्चय करेंगे कि भाई पूंछ काली है या सफ़ेद है। अब कद्रू ने बोला देखो अगर पूंछ काली निकली तो तुम मेरी दासी बन जाओगी पूरा जीवन, और अगर पूंछ सफ़ेद निकली तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊँगी पूरा जीवन। बोला चलो शर्त मंजूर है। दोनों वापस गए, संध्या वंदन किया, सो गए। अब कद्रू को जो रात भर नींद नहीं आ रही, अगर मुझे उसका दासी बनना पड़ा तो ठीक नहीं रहेगा, उसने क्या किया चीटिंग कर दी, रात को ही चली गई, देख के आ गई घोड़े की पूंछ काली है या सफ़ेद। अब घोड़े की पूंछ तो सफ़ेद थी। अब कद्रू ने अपने सारे बच्चों को उठाया, कद्रू के बच्चे माने नाग, हजारों नाग। अब उनको सबको उठाया, देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आप मेरी हेल्प करो। बोला माँ हम कैसे हेल्प करें। बोला जो घोड़े की पूंछ है उसमें तुम अपना शरीर को लपेट दो, अगर तुम सारे मिलके शरीर को लपेट दोगे तो पूंछ तो काली लगेगी, मैं जीत जाऊंगी, वो मेरी दासी बन जाएगी। सारे सांप मान गए, वहाँ चले गए, घोड़े की पूंछ पे लपेट लिए अपने आप को। अब ये दोनों तैरते तैरते गए पास में, और जब पास में आया तो दिख रहा है कि हाँ घोड़े की पूंछ तो काली है। अब वनिता तो रोने लगी, ठीक है अब से मैं तुम्हारी दासी। अब वनिता के दो पुत्र थे गरुड़ जी और अरुण, एक तो जो है वो सूर्यदेव के रथ सारथी है और एक है गरुड़ जो भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के रथ सारथी है। अब जब गरुड़ जी देखते हैं कि मेरी माँ को ये लोग दासी जैसे रख रहे हैं, वो जाके नेगोशिएट करते हैं कि ऐसा करो मेरी माँ को दासत्व से मुक्त करो। तो अब ये सारे सांप मिलके बोलते ठीक है एक काम करो, तुम जाओ ऊपर इंद्रलोक से मेरे लिए अमृत लेके आ जाओ, अब हम सब भाइयों अमृत बांट लेंगे, तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्त करेंगे। अब गरुड़ जी जाते हैं, ये बहुत लंबी कथा है, मैं तो छोटे मतलब संक्षेप में बता रही हूँ। अब गरुड़ जी जाते हैं और बहुत ही मुश्किल से जो अमृत है वो लेके आ जाते हैं। अब जब वो अमृत लेके वापस आते हैं तब थोड़ी देर के लिए वृंदावन में इस कदंब के झाड़ पे वे अमृत के कलश को लेके रुके हुए थे। अब थोड़ा सा अमृत उसमें से उनके हाथ से नीचे गिर गया इस झाड़ के ऊपर, इस कदम झाड़ के ऊपर, तो इसीलिए क्योंकि इसने अमृत पिया हुआ है इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अब कुछ वैष्णव को आचार्य बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें तो सिंपल लॉजिक ये है कि जिसको कृष्ण छुए वो तो ऐसे ही अपने आप सजीवन हो जाएगा, उसमें बड़ी बात क्या है, उसमें इतनी बड़ी फिलोसॉफिकल स्टोरी बताने की क्या बात है, जिसको कृष्ण छू ले वो तो ऐसे ही जिंदा हो जाएगा। तो बेशक वो झाड़ मरा हुआ था लेकिन क्योंकि कृष्ण ने छुआ वो फिर से सजीवन हो गया। कृष्ण को कदंब झाड़ से विशेष प्रेम था क्योंकि कदंब झाड़ थोड़ा सा सुनहरा लगता है और राधा रानी का रंग भी सुनहरा है, तो इसलिए कृष्ण जहाँ कदंब के झाड़ को देखते हैं उनको राधा रानी की याद आ जाती है। और तमल का झाड़ जो है वो काला है, तो जहाँ जहाँ राधा रानी तमल का झाड़ देखती है उन्हें कृष्ण की याद आ जाती है। कृष्ण कालो तमल कालो ताईते तमल भालो भाषी, राधा रानी बोलते मुझे तमल बहुत प्यारा है क्योंकि कृष्ण काला है तमल काला है, इसलिए मैं जब तमल को देखती हूँ मुझे कृष्ण याद आता है। और कृष्ण बोलते मैं जब कदंब को देखता हूँ मुझे राधा रानी याद आती है। तो कदंब के झाड़ से भगवान का विशेष प्रेम था, और अगर आप देखो पूरे वृंदावन में बहुत सारे कदंब के झाड़ है। तो यहाँ पे वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि भाई कदंब के झाड़ को भगवान ने छुआ तो वो सजीवन हो गया, उसमें बड़ी बात क्या है। अब सनातन गोस्वामी उसमें अपनी टीका करते हैं, बोलते नहीं नहीं बात तो ये है कि इस झाड़ ने बहुत कुछ सहन किया, इतना विष भरा हुआ भाप आता था, इतना कुछ आता था, इतने युगों तक उसने वो सहन किया, इसलिए भगवान के श्री चरण उनके ऊपर गए। सो जो सहन करता है उसको भगवान की कृपा मिलती है, वो सनातन गोस्वामी अपने टीका में कहते हैं। जैसे हमारे जीवन में भी कितना कुछ ऊपर नीचे होता है ना, कितनी सारी कभी सुख तो कभी दुख, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, पर भगवान क्या बोलते हैं कि जो सहन करता है
वो मुझे प्रिय है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि इस झाड़ ने बहुत कुछ सहन किया। हमें दो क्वालिटीज होने से ठाकुर जी हमसे आकर्षित होते हैं, वो दो क्वालिटीज है धीरज और सहनशीलता। अगर हम धीरज रखें, पेशेंस, इस झाड़ ने कितना पेशेंस रखा ना, उसको ये नहीं था कि अरे अब कृष्ण तो आ नहीं रहे हैं, मैं तो कितना टाइम से यहाँ पे ये सहन कर रहा हूँ, पॉइजन गैसेस सहन कर रहा हूँ, उसने पेशेंस रखा। हम तो एक साल जब करते हैं उसमें हमारा पेशेंस चला जाता है, मैं एक साल से 16 माला कर रहा हूँ फिर भी मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ा, भी कुछ भी नहीं हुआ, भगवान तो मेरी रक्षा ही नहीं कर रहे, एक साल हो गया 16 राउंड्स करके। हमको तो इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। हम थोड़ा बहुत भगवान की सेवा करें और अगर उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर उनका तो काम हो गया। इतना टाना मारेंगे हम, इतना किया मैंने, इतना डोनेशन दिया मैंने, इतना जप किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। पर हम ये भूल जाते हैं कि कितने जन्मों से हमने भी भगवान को रेस्पॉन्ड नहीं दिया है, कितने जन्मों से वो हमको याद करा रहे हैं कि हे जीव मेरे तरफ देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जो योनि में जाते हैं, कभी हम पशु बन जाते, कभी पक्षी बन जाते, कभी कोई कीड़ा बन जाते, हर योनि में ठाकुर जी धीरज के साथ कितना पेशेंस से हमारे साथ घूमते और हमको याद कराते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हम नहीं देखते, हम कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते। और इतने जन्मों के बाद आज जब श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम थोड़ा रेस्पॉन्स देना सीख गए तो हमको इमीडिएटली लगता है कि वो हमें जल्दी से और रेस्पॉन्स दे। हम तो भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं कि माय डियर लॉर्ड गिव मी पेशेंस बट लिटिल क्विकली, थोड़ा जल्दी दे दो, हमें पेशेंस दो लेकिन जरा जल्दी जल्दी करो, ये हमारा है, हमें सबको जल्दी जल्दी चाहिए। धीरज रखना, जो धीर है, जो इंतज़ार करता है, बोलते हैं ना इंतज़ार करने का फल मीठा होता है, अगर हम इंतज़ार करते हैं तो भगवान पक्का रेस्पॉन्ड करेंगे, हमें धीरज नहीं है। वृंदावन में अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा करो, ये जो पूरा गोवर्धन का आकार है वो एक मोर के जैसा है, मोर की दो आंखें हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड, और मोर का जो गला है वो है दान घाटी। और वृंदावन में जो गोवर्धन की पीछे का जो है, जैसे गोवर्धन जी की पूंछ है उसको बोलते हैं, वहाँ पे एक मंदिर है, एक्चुअली पिछारी बोलते हैं उस जगह को, वहाँ पे एक मंदिर है लोटा बाबा मंदिर। और गिरिराज जी का जो मुखारविंद है वहाँ पे हम दूध डालते हैं, जब हमारे साथ जो भी आए हैं जो मुखारविंद में हम जो दूध डालते हैं वो गिरिराज जी का फेस है। तो ये जो गिरिराज जी की पिछारी का जो पूछ है उधर एक मंदिर है लोटा बाबा मंदिर। अब इसकी एक बहुत सुंदर कहानी है, कैसे जब कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जा रहे थे, रथ पे बैठ गए थे, सब कृष्ण को फेयरवेल कर रहे थे, और तब एक कृष्ण का सखा भागता हुआ आया, बोला कृष्ण कृष्ण ठहरो ठहरो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, चलो हम खीर खाते हैं। तो कृष्ण बोलते कि तुम खा लो, मेरे को तो अभी जाना है। नहीं नहीं, दोनों साथ में खाएंगे। तो कृष्ण ने बोला फिर मैं तो अभी जा रहा हूँ, एक काम करते हैं, मैं जब शाम को आऊँगा तब दोनों मिलके खाएंगे। तो बोला ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। कृष्ण रथ के ऊपर चढ़ गए, फिर उनको याद आया ये तो इंतज़ार करता हुआ रह जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं लौटा तो शाम तक। तो कृष्ण फिर नीचे उतरे, बोला देखो तुम खा लो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि मैं शाम तक लौटूँ या ना लौटूँ, मुझे एक दो दिन हो जाए। सखा ने बोला कोई बात नहीं, एक दो दिन होने से भी मैं इंतज़ार करूँगा। फिर कृष्ण ने बोला कि शायद एक दो दिन नहीं, शायद एक महीना हो जाए, तुम खीर खा लो, मेरा इंतज़ार मत करो। इसने कहा ठीक है मैं एक महीना इंतज़ार करूँगा। कृष्ण ने बोला नहीं, शायद एक साल हो जाए, तुम खा लो, मेरा इंतज़ार मत करो। बोला नहीं कृष्ण, मैं एक साल वेट करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण चले गए। अब वो बंदा सालों साल तक कृष्ण का इंतज़ार कर रहा है, कृष्ण कब आएंगे, हम दोनों साथ में मिलके खीर खाएंगे। अब कुछ साल के बाद वहाँ उद्धव आए। अब ये जो है गोप सखा भगवान के, वो हमेशा उस रास्ते की ओर देखते रहते थे जिस रास्ते से मथुरा से वृंदावन आते हैं लोग। तो अब वो एकदम हमेशा उनका काम यही है, नहा धो के सुबह बैठ जाओ, इंतज़ार करते रहो, शायद कृष्ण आ रहे हो। और अगर वो देखेंगे कि हम लोग उसके वेलकम में खड़े भी नहीं है तो कहीं नाराज़ होकर वापस चले गए तो एकदम सब रेडी होकर बैठ जाते थे। अब एक दिन उस रास्ते से रथ दिखाई दिया, तो
तो ये लोग सब खुश हो गए कि रथ आ रहा है, उसमें यादवों का फ्लैग भी है, मतलब पक्का कृष्णा आ रहे हैं। तो सब खुश, तो सब उसको बुलाने के लिए गए, उस सखा को बोला तुम खीर लेके जो इतना इंतज़ार कर रहे हो, चलो चलो कृष्णा आ गए। अब ये बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं तो कृष्ण से रूठ गया हूँ, इतना मुझसे इंतज़ार कराया, मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग जाओ, जाके झाड़ के ऊपर चढ़ गया। अब सारे उसको रिक्वेस्ट कर रहे भाई गुस्सा थूको, चलो अब आ तो गया ना, कम से कम देरी किया लेकिन आया तो ना, नहीं नहीं मुझे नहीं आना। वो जब आए उसको बोलो मैं रूठा हुआ हूँ, वो मुझे मनाएगा तभी मैं आऊँगा। अब सारे सखा आगे चल दिए, अब दो मिनट के बाद देखा तो वो सखा फिर से पीछे आ रहा है, बोला अरे तुमने तो अभी बोला था कि तुम रूठे हुए हो, फिर तुम क्यों आ गए? तो वो सखा बोले लगा, बोल नहीं मैं सोचता हूँ इतने दिन के बाद कृष्ण आ रहे हैं ना, बाद में रूठूंगा, अभी तो उसको मिलना है, बाद में रूठूंगा मैं, अभी तो उसको मिलूंगा, बहुत दिन हो गया मुझे तो उसको अभी मिलना है। अब सारे एकदम तैयार हो गए, अब पास में उद्धव का रथ आ गया, अब रथ पे देख रहे कृष्ण नहीं है। अब वो सब सोच रहे, उद्धव को पूछ रहे कि भाई हमारे कृष्ण कहाँ है। अब दूसरे सखा सब हंसने लगे, बोला तुमने ऐसी बात क्यों पूछी? बोला मैंने गलत क्या पूछा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कृष्ण कहाँ है। अब दूसरे सखा बोलते हैं तुम क्या सोचते हो कि कृष्ण शहर में जाके बड़ा जेंटलमैन बन गया कि रथ पे बैठ के आया होगा? वो तो कहीं रास्ते में ही उतर गया होगा, तो व्रज का बंदर है कहीं झाड़ पे चढ़ गया होगा, वो थोड़ी ऐसा जेंटलमैन जैसे शहर के लोगों के जैसे रथ पे बैठ के आएगा। वो कितना भी बड़े शहर में चला जाए, वो है तो हमारा ही दोस्त ना, कहीं कोई झाड़ पे चढ़ के बैठा हुआ होगा हमें सताने के लिए। तो उद्धव को बोल रहे कि कहाँ कहाँ उतरा वो, हमें बता दो, हम जाके कृष्ण को बुलाते हैं। और फिर उद्धव बोलता है कि नहीं नहीं कृष्ण तो नहीं आया है। तो तब से लेके अभी तक भी वो सखा कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं, 5,500 साल बीत गए, फिर भी वो खीर लेके खड़ा है कि कृष्ण आएंगे। अब हिंदी में लौटना बोलते हैं ना कि लौट आओ, वापिस आओ, तो क्योंकि वो बोलता रहता है कृष्ण लौटेगा लौटेगा लौटेगा, उनका नाम ही हो गया लोटा बाबा, ये हमेशा बोलते रहते कि कृष्ण ज़रूर लौटेंगे। तो अभी भी अगर आप जाओ तो लोटा बाबा मंदिर में आप दर्शन कर सकते हो, उनके सखा खड़े हैं कृष्ण के इंतज़ार में। तो जो कृष्ण का इंतज़ार करता है उसे कृष्ण मिलता है। अगर हम में धीरज नहीं है, हम में सहनशीलता नहीं है, तो हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि इस झाड़ ने बहुत सहन किया, धीरज रखा, तो इसलिए कृष्ण की कृपा उस पर हुई। अब कुछ और वैष्णव आचार्य बोलते नहीं 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 नहीं, कृष्ण उस कदम्ब झाड़ पे इसलिए चढ़े क्योंकि उस कदम्ब के झाड़ के ऊपर में वैष्णव की कृपा हो गई। कौन है वो वैष्णव? गरुड़ जी। गरुड़ जी तो परम वैष्णव है ना, जो भगवान की सेवा करते हैं। तो बोला कि जिसके जीवन में वैष्णव की कृपा हो जाए, उसका सेकेंड स्टेप होता है भगवान की कृपा। पहले जीवन में वैष्णव की कृपा एंटर होती है, उसके बाद फॉलोइंग भगवान की कृपा। तो बोलता है कि इनके ऊपर तो गरुड़ जी की कृपा है, क्योंकि गरुड़ जी के चरण पड़े थे उस कदम्ब पे, गरुड़ जी की कृपा हुई थी, इसीलिए उनको भगवान की कृपा मिली। अगर हम श्रीमद् भागवत भी पढ़े तो हम देखते हैं कि सारे भक्तों के जीवन में वैष्णवों की जब कृपा होती है तभी वो भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम ही वैष्णव की कृपा है। अगर नारद मुनि व्यासदेव को नहीं बोलते और उन पर कृपा नहीं करते तो व्यासदेव भागवत की रचना ही नहीं करते थे। अगर आप देखो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में भी कपिल मुनि देवहूति से अपनी माता से कहते हैं कि डिवोशनल सर्विस भक्ति करो, लेकिन कैसे करोगे? कोई एक वैष्णव का आश्रय लेके करो, वैष्णव का आश्रय लेके भक्ति करो। अगर हम चौथे स्कंद में भी देखें तो ध्रुव महाराज को भगवान मिले कैसे? नारद मुनि की कृपा से, नारद मुनि ने उनको गाइड किया तभी जाके उनको मिले भगवान। हम फिफ्थ कैंटो में देखें तो महाराज रहुगुण की कथा आती है, वो भक्ति में आगे बढ़े क्योंकि जड़ भरत जैसे वैष्णव की कृपा हुई। अगर हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में देखें तो वहाँ महाराज चित्रकेतु की कथा आती है, वो भी भक्ति में आगे बढ़े क्योंकि अंगिरा मुनि की कृपा हुई, नारद मुनि की कृपा हुई उनके जीवन में। हम भागवत के सातवें स्कंद में देखें तो प्रहलाद महाराज भक्त बने क्योंकि उन पर कृपा हुई नारद मुनि की, जब वो गर्भ में थे तो नारद मुनि ने उन्हें कथा सुनाई।
अगर हम आठवें स्कंद को देखें भागवत की, तो उसमें गजेंद्र की कथा आती है, और गजेंद्र की भी मोक्ष कैसे मिला, क्योंकि पूर्व जन्म ने साधुओं के साथ में संग लिया था, साधुओं की वैष्णवों की कृपा हुई थी, तो तब जाके तो उनको पुनः सब याद आया इस जन्म में भी। तो अगर हम देखें पूरा भागवत, सब जगह हम देखते हैं कि जिस पे वैष्णवों की कृपा मिल होती है उसे ही भगवान की प्राप्ति या भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे वैष्णवाचार्य बोलते हैं क्योंकि कदंब झाड़ पे गरुड़ जैसे वैष्णव की कृपा हुई थी, इसीलिए भगवान के श्री चरण उस कदंब झाड़ पे पड़े। तो हम आगे देखते हैं कि अब भगवान तो रेडी हो गए उस अक्षय वट पे जाने के लिए, एकदम वो दौड़ते दौड़ते चढ़े। यहाँ पे बोल रहे ती तुंगम, बहुत ही लंबा था, बहुत ही बड़ा था वो कदंब का झाड़, और भगवान उस पर चढ़ गए। अब चढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चढ़ने के बाद यहाँ पे तात्पर्य में बोलते हैं अपने बाल बांध लिए पीछे। अब उनको एक्शन करना है तो कितनी सारी एक्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे बाल बांध लिए, फिर बाल बांधने के बाद में उनका जो उत्तरी था ऊपर का पोर्शन वो उतार दिया और कमर पे बांध दिया, एकदम रेडी हो जा रहे कि अब मुझे जो है कूदना है, एकदम रेडी हो गए। और उनका जो कमरबंद था, कमरबंद को भी एकदम कस लिया, और धोती जो नीचे तक आ रही थी उसको भी उठा के कमर में कस ली, एकदम वो रेडी हो गए कूदने के लिए। अब उनके जो दोस्त थे उनके तरफ देख के हंस रहे हैं, उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में कूद जाएगा। अब कुछ लोग तो उनको बोले कि तुम्हारा एक्टिंग काफ़ी है, डर जाओगे, नीचे उतरो, काफ़ी है, काफ़ी, आ जाओ आ जाओ। अब कृष्ण यहाँ पे, मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ लिखा है, एक वर्ड यूज़ किया अस्फोत्या, मतलब जो उनकी भुजाएं है ना वहाँ पे, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि, मैं नहीं बोल रही, यहाँ लिखा है कि आई एम रेडी, बस अब इसका काम ख़त्म हो जाएगा कालिया का। और सारे फ्रेंड्स हंस रहे हैं, यू नो, और बोल रहे हैं कि देखो तुम ज़्यादा मत दिखाओ, दो चार असुर को मार लिया तो क्या तुम बहुत बड़े हो गए क्या, उतरो 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 बोल रहे हैं। वृंदावन में भगवान की कोई वैल्यू ही नहीं, आप भगवान को कोई वैल्यू ही नहीं देता है। नंद महाराज जब भगवान छोटे थे तो उनको बोलते थे कि जाके मेरी पादुका लेके आ जाओ, तो भगवान कभी कभी उनकी पादुका उठा नहीं पाते थे, इतना वजन लगता था, फिर बहुत मुश्किल से उठा के अपने सिर पे उठा के लेके आते थे नंद महाराज की पादुका। तो इसीलिए जो नंद महाराज को अगर कोई बोले कि आपके बेटे ने इस राक्षस का वध किया, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि वो छोटा सा यही नहीं उठा पाता, उसमें उसको मदद की ज़रूरत है, वो कैसे कोई राक्षस को मारेगा। भगवान ने जब पूतना को मारा तो सबने क्या बोला कि ये तो यशोदा माता ने इतने ब्राह्मणों की सेवा की, नारायण की इतनी पूजा की, इसलिए उसका बेचा बेटा बच गया। अब जब गोवर्धन उठाया तब क्या बोले सारे सखा, तुमने अकेले ने तो नहीं उठाया ना, हम सब ने लकड़ी पकड़ी थी, सब ने थोड़ा थोड़ा उठाया है, तुम इतना अपने आप पे गर्व मत करो। तो सारे कृष्ण को जो है डांटते रहते थे, हाँ, कि दो तीन राक्षस मार लिए और अपने आप को बहुत बड़ा एकदम वीर समझ रहे हो, तुम्ही कौन बड़ो लोग, अमी तुम्ही समा, उनके जो दोस्त थे उनको बोलते थे तुम कौन बड़े लोग हो, तुम और मैं सेम है, बहुत बार खेलते खेलते मुझसे हार जाते हो, तुम क्या करोगे, तुम नीचे उतरो। और कृष्ण बोलते नहीं नहीं, मैं अभी इस कालिया को जो है मार गिराऊंगा। सी भगवान को ये बहुत मीठा लगता है जब ऐसे बोलते हैं ना गोप बालक, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनको भगवान नहीं मानते हैं, उनको अपना सखा मानते हैं, और ये फीलिंग भगवान बहुत एंजॉय करते हैं। भगवान बोलते हैं कि व्रजवासियों ने दी हुई गालियाँ मुझे बहुत प्यारी लगती है, और वहाँ वैकुंठ में ब्राह्मण जो पुरुष सूक्त विष्णु सहस्र नाम सब एकदम नहा धो के वेद पारायण करते उनको अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पे गोपिकाएं अरे चोर नंद के लाला आजा बोलने से उनको बहुत अच्छा लगता है, चोर बुलाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एक कथा आती है कैसे वृंदावन में सारे भगवान के सखा के साथ जब वे रोज जाते हैं तो रोज़ एक दूसरे का टिफ़िन जो है लेके जाते थे ना, शेयर करते थे। अब रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ आइटम लेके आता था, और सपोज़ अगर कोई खाते खाते, जैसे अभी एक रसगुल्ला हाथ में लिया श्रीधाम ने और आधा खाया और बोला अरे कृष्ण ये तो कितना मीठा है, बहुत अच्छा है, तो कृष्ण क्या करते थे, उसका जो झूठा रसगुल्ला था वो अपने हाथ से खींच के वो खाते थे, बोलते हाँ सच में बहुत अच्छा है। एक बार मधुमंगल को छाँछ लेके आया था,
तो भगवान ने बोला मधुमंगल को कि तुम क्या लेके आए हो, तुम मुझे दो, मैं भी थोड़ा पीऊँगा। अब मधुमंगल मन में सोचता है, सी मधुमंगल एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का पुत्र था और वो लोग बहुत गरीब थे। तो अब टिफिन में भी जब उनकी माँ भेजेगी तो क्या करेगी, चार पांच घर से भिक्षा करेगी, तो वो जो मिलेगा उसी को भेजती थी। अब इस दिन क्या किया है, पांच घर से छाछ भिक्षा ली है और पांचों घरे की पांचों घर की छाछ को जो है एक में मिला दिया है और मधुमंगल को वो दे दिया है। अब उसकी माँ ने उसको 10 बार बोला था कि कृष्ण मांगे तो भी नहीं देना, कहीं कृष्ण की तबीयत खराब ना हो जाए, 5 अलग घर से मांगी हुई छाछ है। अब कृष्ण इस दिन जिद करके बैठ गए मधुमंगल से, तुम क्या लेके आए हो, मैं तुम्हारा ही खाऊंगा, तुम्हारा ही खाऊंगा। मधुमंगल बोलते नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं लाया, छुपा रहे हैं। कृष्ण बोले तुम छुपा क्यों रहे, उसका मतलब समथिंग स्पेशल लेके आए हो, मुझसे शेयर नहीं करना चाहते। मैं देखो मैं जो भी लाता हूँ तुमको देता हूँ, तुम लाते हो तो मुझसे क्यों नहीं शेयर करते हो। अब मधुमंगल को डर लगा कहीं कृष्ण अगर छीन के पी लेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मधुमंगल ने क्या किया, एक ही साथ में पूरी छाछ पी ली। अब एक ही साथ में आप पूरा पी लोगे तो क्या होगा, आपका मुँह भर जाएगा पूरा, क्योंकि इतना तो एक साथ में आप नीचे नहीं भेज सकते ना। अब जैसे उसका मुंह पूरा छाछ से फूल गया, भगवान ने क्या किया, अपने दोनों हाथ से उसके गाल को मार दिया। अब जब उसके गाल को मारा तब क्या हुआ, सारी छाछ बाहर आ गई। अब भगवान ने वो छाछ पी ली। अब जब ये चीज ब्रह्मा ने देखी, ऊपर से उसको चक्कर आके गिर गया, चक्कर आ गया ब्रह्मा को कि नहीं 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 ये भगवान नहीं हो सकते, जिनके लिए भोग बनाने के लिए भी हम इतना नहा धो के, यहाँ पे जितने माता जी लोग बैठे बोलेंगे अरे हम तो एकदम सिर धो के इतना तैयार हो के भगवान के लिए एक भोग बनाते हैं। भगवान के लिए जब भोग बनता है तब मुंह पे भी पट्टी बांधनी चाहिए कि गलती से अगर हमारी थूक भी ना चली जाए खाने में, और यहाँ पे वो मधुमंगल से झूठी छाछ पी रहे हैं। ब्रह्मा को तो चक्कर आ गया, इसलिए तो ब्रह्म विमोहन लीला हुई ना, इसी के कारण हुई। वो तो एकदम सर चक्कर आ गया कि ये तो भगवान नहीं है, कुछ तो गलत फैमिली हो रही है, भगवान नहीं है। तो वृंदावन में तो भगवान को कोई बड़ा मानता ही नहीं, भगवान तो सबके वहाँ सखा है वृंदावन में। यहाँ वैकुंठ में भोग धराने के लिए कितने मंत्र बोलने पड़ते हैं, हम भी जब भोग धराते तो कितना मंत्र बोलना पड़ता है ना, घंटी मार मार के कितना कुछ बोलते तब जाके तो भोग कंप्लीट होता है ना। पर वृंदावन में क्या है, भगवान मांग मांग के इतना इतना माखन के लिए कितना मेहनत करते हैं। एक कथा आती है ना, कैसे एक बार कृष्ण हमेशा जो गोपिकाएं मथुरा जाती थी दूध दही माखन बेचने के लिए, रास्ते में ही कृष्ण उनको पकड़ लेते और उनसे सब चोरी कर लेते, मतलब सब उनसे ले लेते और खा लेते। एक बार ये गोपियों ने क्या किया कि अच्छा कृष्ण हमेशा हमें अटैक कर रहा है तो इस बार हम पूरा प्रिपेयर होके आएंगे। तो इस बार जब कृष्ण ने अटैक किया, उसने सोचा ये 2-3 गोपियाँ हैं क्या कर लेगी हमारा, हम तो 10 जने हैं। अब जैसे ही गोपी पे अटैक किया तब देखा पीछे झाड़ियों में हजारों गोपियाँ छुपी हुई थी, सारी बाहर आई एक साथ में और कृष्ण को पकड़ लिया। अब जैसे उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण तो हाथ में आ गया, बाकी सारे सखा वहाँ से भाग गए, बोला अब तुम जानो और तुम्हारी गोपिकाएं जाने, मैं हम तो गए यहाँ से। अब जब कृष्ण को वो लोगों ने पकड़ लिया, बोला कृष्ण अब तुमको तो सजा देनी पड़ेगी। वो क्या सजा देंगे, बोलते तुमको गोपी के जैसे तैयार करेंगे। तो कृष्ण के सारों कृष्ण को सारी लड़कियों के कपड़े पहनाए, बिंदी लगाई, लाली लगाई और कृष्ण को क्या है एकदम गोपी बना दिया। और फिर बोले कि अब कृष्ण हम गाएंगे तुम नाचो। अब कृष्ण को नचा रहे हैं। अब कृष्ण बोलते अगर कि नहीं मैं और नहीं नाच पाऊंगा, बोलते ठीक है फिर हम यशोदा माता को बोल देते तुमने क्या किया। कृष्ण बोलते ठीक है नहीं है मैं नाचूंगा। अब कृष्ण नाच रहे, गोपिकाएं ताली मार रही है। अब थोड़ी देर के बाद कृष्ण बोलते कि मैया मैं थक गया, सबको माँ बोलते थे, उनसे बड़ी थी ना, वात्सल्य रस में प्रेम करती थी, बोले मैया लोग अब तो हम थक गए, हमको दर्द हो रहा है, कुछ खाने के लिए दोगे नहीं दोगे, इतना नचा रही हो। तो इतना देर नाचते तो थोड़ा माखन देते, फिर नचाते फिर थोड़ा माखन देते, ऊपर से इंद्र सारे देवता देख के शौक, इतने से माखन के लिए इतना काम करवाते हैं, ठाकुर जी से इतना नचाते और फिर इतना सा माखन देते। और फिर फाइनली जब कृष्ण बोलते कि भाई मैया अब तो हम थक गए, आज के लिए हमको छोड़ दो, पर हमारी एक विनती है, यहाँ जो हुआ है किसी और को मत बताना, नहीं तो मेरी शादी नहीं होगी।
मुझसे शादी कौन करेगा? अगर उनको पता चल गया कि मेरे को आपने ऐसा लड़की बना के डांस करवाया, तो मेरी शादी नहीं होगी। बस किसी को बताना मत, यहाँ जो हुआ हमारे बीच में हुआ, इसको यहीं भूल जाओ। और जब कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं, गोपिकाएं सोचती बोला अब सब तो सब हो गया, चलो मथुरा चलते हैं। अब देखते कुंड उठाएंगे, मिट्टी का जो कुंड है, देखते पूरा खाली। कब खिलाती रही कृष्ण को, खिलाती रही, पता नहीं चला, सब कुछ खाली। तो यहाँ पे गोपियों का जो भाव है, गोप सखाओं का जो भाव है कृष्ण के साथ, वे कृष्ण को अपना मानते हैं। कोई अपना बेटा मानता है, तो कोई अपना सखा मानता है। वृंदावन में आप जाओ तो एक छोटा सा मंदिर है, बानखंडी और लोई बाज़ार के जंक्शन पे। मंदिर जैसा भी नहीं है, एक्चुअली किसी का घर है, उसके अंदर में छोटा सा मंदिर है। वहाँ पे श्री गौरनिताई विग्रह की स्थापना की गई है, और वह विग्रह मुरारी गुप्त के ओरिजिनल विग्रह है। मुरारी गुप्त कौन है आप सब जानते हैं, वो तो हनुमान जी है। चैतन्य लीला में वो मुरारी गुप्त के रूप में आते हैं। तो मुरारी गुप्त के ओरिजिनल डिटेज तो थे बंगाल में, लेकिन बंगाल से वृंदावन कैसे आए ये बहुत बड़ी कथा है, आज नहीं बताऊंगी। लेकिन एक लेडी थी, बिजनेस वुमेन, उसका नाम था चंद्रशशि मुखर्जी। वो भक्त बन गई, और भक्त बनने के बाद में मुरारी गुप्त के ओरिजिनल गौरनिताई डिटीज को वो वृंदावन लेके आ गई, और यहाँ पे पूजा कर रही थी छोटे से घर में। अब ये काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, और लोग उसे पीसी माँ बुलाते थे। पीसी माँ माने पिताजी की बहन। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, फई बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। तो सब उनको बुआ जी बुलाते थे, मतलब बंगाली में पीसी माँ बुलाते थे। अब वो जो गौरनिताई की सेवा करती थी, एकदम वात्सल्य भाव में करती थी, अपना अपने दो बेटे मानती थी, उतना प्यार से जो है सेवा करती थी। अब ये गौरनिताई भी उनको माँ मानते थे, और अक्सर उनसे बातें भी करते थे। तो एक दिन इस पीसी माँ के सपने में गौरनिताई आए, उनको माँ बोलते थे, बोला माँ हमको जूता चाहिए। पीसी माँ ने बोला जूता किस लिए चाहिए, कहीं मुझे छोड़ के जाने का कोई प्लान तो नहीं कर रहे तुम? जूता किस लिए चाहिए, जूता मतलब बाहर जाने के लिए, कोई जूता वोता की तुमकी ज़रूरत नहीं है। बोलते नहीं नहीं कहीं जाएंगे नहीं, खेलेंगे, जब खेलते हैं ना तो मिट्टी में पैर गंदे हो जाते, इसलिए जूता मांग रहे हैं। अब पीसी माँ ने डांट से बोल दिया, डांट के बोल दिया, बोला जूता वूता कुछ नहीं, घर के आंगन में खेलो, बाहर जाके मत खेलो। ये दोनों चुप हो गए। दूसरे दिन सुबह वो उठी, जैसे सेवा कर रही है वैसा कर रही है, लेकिन जूता वूता कुछ खरीद के दिया नहीं। अब गौरनिताई सोचते शरारती थे, तो हमको तो जूता चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वृंदावन दर्शन करने के लिए कोई बंगाल से लेडी आई थी, दोपहर का समय था, वो सो रही थी। अब ये गौरनिताई गए, उस लेडी को उठाने लगे, उसको कुछ भी पता नहीं, वो सिर्फ वृंदावन दर्शन करने आई है, उसको उठाने लगे। अभी जो उठ के देख रही कि मुझे कौन उठा रहा है, देख रही कि यहाँ पे उसके सिर के ऊपर बैठे हुए गौर और निताई, बोला आप लोग कौन है, मेरे कमरे में क्यों आए, क्या चाहिए आपको? तो बोला कि तुम वृंदावन दर्शन करने आई हो कि सोने आई हो, दोपहर को कोई सोता है क्या, उठो। तो ठीक है उठ गए, करना क्या है? बोलता ऐसा करो, हम लोग को जूता खरीद के दो ना, हमारे पास जूता नहीं है, वृंदावन में इतनी धूली मट्टी है, हमारे पैर गंदे हो जाते हैं। तो बोलता आप लोग है कौन? नहीं हम पीसी माँ के बेटे हैं, तुम बानखंडी रास्ते में आ जाओ, किसी को भी पूछो पीसी माँ के बच्चे कौन है, बता देंगे, तुम्हारा जूता मत भूलना, कल जूता लेके आ जाना। अब ये जब उठी, उसको समझ में नहीं आया कि मैंने जो देखा वो सच था कि मेरा कोई भ्रम था। वो दूसरे दिन गई, बानखंडी रास्ते पे गई, किसी को पूछा भाई यहाँ पीसी माँ के गौरनिताई कौन है, बोले पीसी माँ, ओह तो उसका उधर वही है, उसका घर उधर जाओ। वहाँ पे गई पीसी माँ को पूछा भाई पीसी माँ के गौरनिताई कौन है, पीसी माँ ने बोला यही है मेरे गौरनिताई। उन्होंने क्या किया, पर्दा खोला, जो छोटा सा उनका ऑल्टर था, जैसे पर्दा खोला ये लेडी तो बेहोश हो गई। अरे यही तो है वो जो मेरे सपने में आए थे। और फिर जब वो होश में आई, तब उसने पीसी माँ से कहा कि भाई आपके गौरनिताई मेरे सपने में आए थे और जूता मांग रहे थे, और वो रोने लगी। और फिर दूसरे ही दिन जाके उसने क्या किया, गौरनिताई के लिए दो चांदी के जूते बनवाए। अभी भी अगर आप जाओ तो वो चांदी के जूते आप देख सकते हो, मुरारी गुप्त के जो ये गौरनिताई विग्रह है। अब एक दिन पीसी माँ ने क्या किया,
₹500 के आभूषण खरीदे उन दिनों में, ₹500 मतलब इट वॉज वेरी बिग अमाउंट, ₹500 के आभूषण खरीदे, अच्छा से गौर निताई को सजाया। अब गौर निताई उस दिन सपने में आए, बोले माँ आप सजाए तो मुझे अच्छे से हो, लेकिन नूपुर नहीं है, पैर का नूपुर चाहिए। अब पिसी माँ बोली नूपुर ऊपर नहीं, मेरा जो बजट था मैंने दे दिया, मैं और कुछ नहीं दे सकती। अब दूसरे दिन फिर गए, किसी लेडी को उठाए नींद से, बोला हम पिशिमा के गौर निताय, हमको नूपुर चाहिए, खरीद दोगी? अब ये भी नहीं थी, उसको कुछ पता नहीं कौन पिशिमा कौन नहीं, आप आ जाओ जो रास्ता है उस पे आके आप किसी को भी पूछ लो, बाणखंडी के रास्ते पे आप आ जाओ, किसी को भी पूछ लो गौर निताय के, पिशिमा के गौर निताय बता देंगे। तो नेक्स्ट डे ये भी गई और फिर सेम थिंग, वो गई पिशिमा के गौर निताय को ढूंढा, देखा, बेहोश हो गई, नेक्स्ट डे नूपुर बना के लेके आई और भगवान को पहना दिया। अब पिछले में बूढ़ी हो जा रही थी तो सेवा नहीं कर पा रही थी, तो एक दिन उसने क्या किया, किसी ब्राह्मण को रख लिया, मैं तुमको तनख्वाह दूंगी, तुम जो है मेरे गौर निताय की सेवा करो, मुझसे अब होता नहीं, बूढ़ी हो गई है। वो ऊपर के फ्लोर में रहती थी, नीचे में छोटा सा मंदिर था। अब ये ब्राह्मण बहुत गरीब था, एक दिन इस ब्राह्मण का मन खराब हो गया, उसने सोचा इतने सारे आभूषण सारे में चोरी करके भागता हूँ, तो सुबह सुबह उठा, सारे आभूषण लिए और वहाँ से भाग गया। अब पिशिमा जब नीचे उतरी, धीरे धीरे आई, ऑल्टर खोला, देखा आभूषण सब गायब। अब पिशिमा गौर निताय को डांटने लगी, कहाँ गए तुम्हारे आभूषण, किसने लिए? तो गौर निताय बोले कि माँ वो जो पुजारी तुमने रखा था ना, वो रबड़ी बहुत अच्छा बनाता था, इतना टेस्टी रबड़ी, बहुत बेचारा गरीब है, वो लेके चला गया, तो मैं हम लोग कुछ नहीं बोले, वो सारा आभूषण जो है लेके चला गया। अब पिशिमा ने गौर निताय को डांटा, बोला तुम लोगों को इतनी भी समझ नहीं है, तुम्हारी चीज़ों की रक्षा कैसे करनी है, वो भी मुझे करना पड़ेगा। अब तुमने जो ये किया है, तुम्हारे सारे आभूषण उस ब्राह्मण को दे दिए ना, अब तुम्हारे लिए कोई आभूषण मैं नहीं खरीदूंगी, अब तुम लोग ऐसे ही रहो, और अगर तुमको आभूषण चाहिए तो किसी से मांग लेना, ऐसे भी तुम लोग को मांगने में शर्म तो आती नहीं है, सबसे मांगते फिरते हो, तो किसी से मांग लेना, मैं और तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकते। अब एक दिन ये गौर निताय बोले कि माँ हम व्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे, सारे भक्त जाते हैं व्रजमंडल परिक्रमा, हम भी जाएंगे। तो पिशिमा ने क्या किया, पालकी तैयार की, तो उन दोनों को गौर निताय को जो लेके व्रजमंडल परिक्रमा की। अब जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो पिशिमा के जो असिस्टेंट थे मथुरा दास, वो सामने सामने जा रहे थे, पिशिमा थोड़ा और आगे जा रहे थे अरेंजमेंट्स करने के लिए। इस बीच में ये सारी सत्य घटना है, तो इस बीच में जो ब्रिटिश सैनिक थे वो पास में आके बोले इस पालकी में क्या है? तो मथुरा दास जी बोले कि हमारे ठाकुर जी है, हमारे ठाकुर जी है। नहीं नहीं मैं देखना चाहूँगा एक बार, आपके ठाकुर जी मतलब क्या, कैसे होते हैं, हम देखेंगे। अब मथुरा दास घबरा गया, ये तो म्लच्छ है, मांस खाते हैं, ऐसे लोग तो भगवान को छूना नहीं चाहिए। तो अब वो प्रार्थना करने लगा कि ठाकुर जी अब क्या होगा क्या होगा, और ये लोग एकदम पास में जा रहे हैं। फिर मथुरा दास ने बोला नहीं नहीं हमारे ठाकुर जी अभी सो रहे हैं, अभी दर्शन नहीं हो सकता। अब ये सैनिक बोला नहीं नहीं हम तो दर्शन करेंगे, हम ये सब में मानते नहीं, हमको तो देखना है। अब जैसे उनका हाथ पास में जा रहा है कटन को, पर्दे को उठाने के लिए, वैसे ही गौर निताय ने क्या किया, अंदर से जोर से आवाज़ की और लाइटिंग की एकदम, तो इतनी ज़बरदस्त आवाज़ हुई, इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग हुई कि ये दोनों सैनिक डर के पीछे चले गए। बोला अंदर में क्या है, इतनी अजीब आवाज़ क्यों आ रही है, इतनी लाइट क्यों आ रही है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें नहीं देखना आपके ठाकुर जी को, बोल के वहाँ से वह चले गए। अब जब पिशिमा वापस आई तो मथुरा दास ने बोला कि माँ आपको पता है अभी क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे अभी ठाकुर जी को टच करने वाले थे, लेकिन गौर निताय ने अंदर से ऐसा एक आवाज़ निकाला, लाइटनिंग किया कि वो लोग घबरा के चले गए। तब पिशिमा ने बोला कि अच्छा अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं आराम से मर सकती हूँ, कम से कम अपना ध्यान रखना उनको आ गया, अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। मैं ये सारी कहानी इसलिए बता रही हूँ कि ये है व्रज प्रेम, वृंदावन का प्रेम, भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, बस एकदम नॉर्मल उनका जो प्रेम है वो शांत रस नहीं है, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास एक अलग ही टाइप का भाव है उनका। तो यहाँ पे भी जो कृष्ण के सखा है वो सोचते तुम नीचे उतरो तुमसे नहीं होगा, और कृष्ण बोलते हैं कि मैं एकदम तैयार हूँ, मैं अभी का अभी खूदूंगा, और कृष्ण क्या करते हैं यमुना के नदी में खूद जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। सर्प हृदा पुरुष सरा निपात वेगा,
संशोभितरोगो विशोच वसितं भुरासि पर्याक्लुतो विषकसाय भीषणोर्मीर् धवन्धनुसतम् अनंतबलस्य किं तात्। अभी बोल रहे हैं कि भगवान जब यमुना के नदी में खूदे हैं तब क्या हुआ। बोल रहे हैं कि जब वे खूदे तब वहाँ अंदर में जो सारे सांप थे, कालिया के अलावा भी तो बहुत सारे सांप थे, वो सब एजिटेट हो गए कि ये क्या हो गया, इतनी जोर से आवाज़ क्यों आई। अब एक छोटा सा बच्चा खूदेगा तो क्या आवाज़ आएगी, लेकिन ठाकुर जी तो भगवान है ना, पूरे त्रिलोक के नाथ है, तो जब वो खूदेंगे तब क्या होता है। तो बोलता है कि अंदर में कालिया सोचता है कि कोई पहाड़ तो नहीं गिर गया, क्योंकि उन दिनों में पूर्व में पहाड़ के भी पंख होते थे, पहाड़ जब चाहे जहाँ चाहे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते थे अपने पंखों से। लेकिन ये पंखों से घूमते थे जब सबको डिस्टर्ब होता था, बोल के इंद्र ने एक बार गुस्से में आके सारे पहाड़ों के पंख काट दिए, तब से ये पहाड़ कहीं घूमते नहीं है। कभी कभी कुछ पहाड़ बच जाते हैं जिसका पंख नहीं काटा, तो कालिया सोचता है कहीं कोई पहाड़ तो नहीं गिर गया, इतना जोर से आवाज़ क्यों आ रहा है। उसके बाद बता रहे हैं कि जिस जोर से भगवान अंदर में गए ऐसा हुआ जैसे कि बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आती है तब क्या होता है, देखते हो ना, जब फ्लड आ जाता है पूरा पानी बाहर निकल जाता है। तो बोलते कई माइलों तक यमुना का जो ये काली विष का पानी था, विष से भरा हुआ ये जो यमुना नदी का पानी था, ये सारा एकदम बाहर आ गया, एकदम ये हो गया। और अंदर में जो सांप थे वे सब जोर जोर से श्वास लेने लगे गुस्सा में कि कौन है ये, हमारी जगह में आया क्यों। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान का अनंत बल है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं अनंत बलस्य, भगवान गिरेंगे तो पक्का आवाज़ तो होगा, उसमें बड़ी बात क्या है। नेक्स्ट श्लोक, तस्या हृदय विहरतो भुजदंड घूर्णा वर घोषम अंग वर वरण विक्रमस्या अश्रुत्य तत्स्व सदन भीभवं निरीक्ष्या चक्षुषवा समसरत तद अमृष्या मनहा। अब खूद गए अंदर में, खूदने के बाद शांति से बैठे नहीं है, वहाँ पे खेल रहे, आवाज़ कर रहे पानी से, जैसे बच्चे जब पानी में खेलते तो कैसे आवाज़ करते दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करते हुए, अब भगवान भी हमें ऐसे कर रहे हैं, म्यूजिकल नोट बजा रहे हैं, कभी इधर इधर पानी मार रहे हैं तो कभी उधर उधर पर पानी मार रहे हैं, गाना बजा रहे हैं अंदर में, उनको बहुत मज़ा आ रहा है, छप 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 करके आवाज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वो आवाज़ भी इतना मीठा है, एकदम रिथमेटिक वॉइस है। तो यहाँ पे भगवान अपने आम से बड़ा बड़ा साउंड बना रहे हैं। अब जब इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, अब कालिया को सहन नहीं हो रहा है, अब आया कालिया बाहर में, अभी तो अंदर में था, अपने राजमहल में आराम से बैठा था, पहले आवाज़ हुआ तब तक तो ठीक है, अब कौन है जो आया है, जिसको डर भी नहीं है, गाना बजा रहा है। अब कालिया सोच रहा है कि हिम्मत तो देखो, आ गया तो आ गया, कम से कम देख के चला जाना चाहिए था, आके गाना बजा रहा है, देखना पड़ेगा ये कौन है। भगवान कालिया के हृदय में आएंगे वैसा कालिया का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, भगवान तो अनइनवाइटेड आए हैं, कालिया ने बुलाया था क्या कि आप आओ, फिर भी भगवान आए। क्यों गए, क्योंकि ये भगवान की एक क्वालिटी है, उदारता। हम लोग जब 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्ण कर रहे थे तब हमने एक गुण देखा कि भगवान का गुण है उदारता, उनको बुलाया नहीं गया था फिर भी कालिया का उद्धार करने पहुंच गए। कोई किधर भी हो, कितने भी नीचे लोक में हो, कैसी भी स्थिति में हो, भगवान सबकी चिंता करते हैं, सबके उद्धार करने की कोशिश करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इस पर टिप्पणी देते हुए कहते हैं कि बिन बुलाए, कालिया के बिन बुलाए भी भगवान जब कालिया की मदद करने गए, उसको मुक्ति देने के लिए गए, उसका उद्धार करने के लिए गए, तो हम तो रोज़ भगवान को बुला रहे हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भाई हम तो रोज़ बुला रहे हैं उनको, तो फिर हमें ये विश्वास क्यों नहीं है कि वो आएंगे।
जिसने बुलाया नहीं था उसके पास भी पहुंच गए उद्धार करने के लिए, और हम तो रोज बुला रहे हैं कि आप आओ, तो क्यों नहीं आएंगे? पक्का भगवान आएंगे, हमें विश्वास रखना है। जैसे कृष्ण, द्वारका के कृष्ण अलग है, थोड़े से ऐश्वर्य वाले, मथुरा के कृष्ण अलग है, वृंदावन के कृष्ण अलग है। बहुत बार भक्तों में ये होती है कि मुझे तो गोकुल के कृष्ण अच्छे लगते हैं छोटे, कोई बोलता नहीं मुझे तो द्वारका के कृष्ण अच्छे लगते हैं सारी पटरानियों के साथ। सबकी अपनी अपनी एक भावना है। उसी तरह से श्री राम जी भी है, अयोध्या के राम अलग है, दशरथ नंदन, और दंडकारण्य और पंचवटी में जो थे वो अलग है सीता जी के साथ, और लंका में जो राम गए वो अलग है, एकदम वीर पुरुष। अगर आपको कोई पूछे कि आपको दशरथ नंदन राम पसंद है कि आपको वो दंडकारण्य के राम पसंद है या आपको लंका के राम पसंद है, तो आप क्या बोलोगे? दंडकारण्य, दशरथ जी के। एक वैष्णव आचार्य ने बहुत सुंदर बात बोली, उसने कहा मुझे तो लंका के राम पसंद है। तो बोला क्यों, तुमको लंका के राम क्यों पसंद है? बोला दशरथ के राम तो दशरथ जी के बुलाने से आए ना, दशरथ जी ने इतना पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, इतना प्रार्थना की, तब जाके राम जी आए। और दंडकारण्य के राम जी भी बुलाने से आए, दंडकारण्य में इतने सारे ऋषि मुनि भगवान को इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, तब जाके भगवान का अवतार हुआ, उनको बचाने के लिए आए। लेकिन रावण ने तो राम को बुलाया नहीं था, फिर भी उनके लंका में गए। और मेरा हृदय भी एक लंका जैसा ही है और मैं उसका रावण हूँ, तो इसलिए मुझे तो वो लंका में जाने वाले राम बहुत अच्छे लगते हैं। जहाँ पे मैं राम जी को प्रार्थना करूँ कि मेरी लंका में भी बिन बुलाए आप आ जाइए, मेरे हृदय में आप आ जाइए और मेरे रावण को आप मार दीजिए। तो जब हम ये कथा सुनते हैं एज डिवोटीज, हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए ठाकुर जी से कि ठाकुर जी उस युग में जिस कालिया को आपने यमुना से भगाया था वो कालिया मेरे हृदय में आके बैठा है, अब आप आइए और मेरी ये जो हृदय की यमुना है कालिया हृदय में आप खोदिए और यहाँ से इस कालिया को भगाइए। हमें तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये होनी चाहिए भक्त की प्रार्थना। तो आएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे क्यों नहीं आएंगे, जब कहीं कहीं बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। तो हम तो रोज़ हाँ दिन में 2 घंटा 16 माला करते हुए भगवान को बुला रहे कि आइए आइए, तो ज़रूर आएंगे, हमें सिर्फ धीरज रखनी है। तो यहाँ पे भगवान खुद गए यमुना के अंदर। नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। तम प्रेक्षणीया सुकुमार घनावदातम श्रीवास पीतवसनम स्मित सुंदरस्याम क्रीदंत अप्रतिभयं कमलोदरंघ्रिं संदस्य मर्मसूरुस भुजाय चछादा। बोल रहे तम प्रेक्षणीय, इतने सुंदर लग रहे भगवान, इतने सुंदर लग रहे भगवान, इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सुकुमार, एक्चुअली बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी, बहुत सी ये जो एजेस होते हैं जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्री टीन्स टीनेजर, ऐसे शास्त्र में बोला गया है जन्म से लेके 5 साल का जो बच्चा होता है उसे कुमार कहते हैं, 6 साल से 10 साल को पौगंडा, और फिर 11 से 14 साल को किशोरावस्था कहते हैं, और फिर 15 साल से जो बड़े हैं उनको युवन अवस्था कहते हैं। अब ये जब लीला हो रही थी काल्य लीला, तब भगवान अभी कुमार अवस्था में है, मतलब 5 साल के अंदर अंदर। तो अब इमेजिन करिए 5 साल का बच्चा कैसा लग रहा होगा देखने में, कितना छोटा सुंदर सॉफ्ट प्यारा सा बच्चा सुकुमार। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, घनावदातम माने वो क्लाउड, जब फ्रेश क्लाउड होता है जिसमें पानी नहीं भरा, एकदम वाइट प्लेन क्लाउड तो एकदम चमकता है ना, वैसा उनके शरीर से ऐसा रोशनी आ रही है ना, सुंदर तेजस्वी स्वरूप। श्रीवत्स पीतवसनम, भगवान की छाती पे श्रीवत्स का
चिन्ह है, पीत वसनम, हल्दी कलर की धोती, सिल्क की धोती पहनी हुई है। स्मित सुंदरस्यम, स्मिता हंस रहे हैं, स्माइल देते हुए सुंदर लग रहे। कृदंतम अप्रतिभयम कमलोदरंघ्रिम, डर नहीं रहे हैं, एकदम बिना डर के खेल रहे हैं, पानी में आवाज कर रहे हैं। कमलोदरंघ्रिम, अंघ्रि माने पैर, कमल माने कमल का फूल, तो भगवान के जो पैर है इतने कोमल है, एकदम कमल के फूल के बीच की जो जगह होती है ना, जिससे कमल की पंक्तियाँ पत्तियाँ लगी हुई रहती, वैसा कलर, लाइट पिंक कलर के सुंदर से पैर उनके दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इतना सुंदर अगर किसी का रूप हो तो कितना भी कोई क्रूर हो, देखने के बाद थोड़ा मन तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन इस कालिया का कोई मन ये नहीं हुआ, पिघला नहीं, कौन है ये, क्यों आया मेरे पानी में। और इमीडिएटली उसने क्या किया, भगवान को अपने शरीर से लपेट लिया और अपने फन से भगवान को जो है काटने लगा, चेस्ट पे, छाती पे मारने लगा। अब कुछ वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो भगवान का रूप एक बार देखे उसका तो मन पिघल जाता है, इसका मन क्यों नहीं पिघला। तो कोई बोलता है कि नहीं नहीं मन तो पिघला है, वो जो जोश से आ रहा था मारने के लिए, लेकिन जैसे ही भगवान के श्री चरण का दर्शन होता है वो पिघल जाता है, लेकिन भगवान की लीला में उसका रोल है ना, तो इसलिए उसको करना पड़ रहा है, तो इसलिए भगवान को ऐसा पकड़ लिया है। अब कुछ वैष्णव आचार्य बोलते हैं एक्चुअली वो भगवान के छाती पे मार नहीं रहा है, जैसे ही उसने भगवान का रूप देखा है वो तो भक्त बन गया है। अब क्योंकि वो भक्त बन गया है उसको तो श्लोक याद आ गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को तो मुझे कुछ प्यार से देना है, अब देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ शरीर है, तो इसीलिए वो जो मार रहा है वो मार नहीं रहा है, एक्चुअली वो भगवान के शरीर को चुंबन दे रहा है, और मन में सोच रहा है कि मेरे पास तो मेरे शरीर के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए वो भगवान को सरेंडर करके अपना शरीर भगवान के शरीर के साथ लपेट रहा है। लेकिन कालिया तो उस मोमेंट में इमीडिएटली भक्त बन गया है। तो अलग अलग वैष्णव आचार्य का एक क्या है, एक भाव है, जिस भाव से जो देख रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब कालिया एकदम उठ गया है और उसने भगवान के शरीर को एकदम अपने फन में लपेट लिया है। प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि कोई कैसा भी हो अगर वो एक बार भगवान का रूप देखे तो वो पक्का भक्त बन जाएगा, अभी ना बने तो बाद में उसका भक्ति जीवन शुरू हो जाएगा। बहुत बार श्री प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलते थे कि तुम जाओ सबको किताब दिखाओ, वो ले नहीं ले उनको बोलो एक बार हाथ में पकड़िए, और हाथ में पकड़ने के बाद जब वो पेजेस हिलाएंगे, कृष्ण बुक आप अगर निकालो तो सबसे पहले कृष्ण का पिक्चर होगा। अब जैसे वो कृष्ण का पिक्चर देखने के बाद अगर वो बुक बंद कर देते, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं तुम खुशी खुशी वापस आ जाओ, क्योंकि एक बार जो उसने कृष्ण की बुक हाथ में ले ली, एक बार कृष्ण का सुंदर मुखारविंद उसने देख लिया, एक बार उसने पढ़ लिया कि क्या है ये किताब का नाम, अच्छा कृष्णा, बस अब तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि उसका भक्ति जीवन शुरू हो गया। अब वो इस जन्म में भक्त बने ना बने, कोई ना कोई जन्म में बनेगा, क्योंकि एक बार उसने भगवान का सुंदर मुख देख लिया, एक बार उसने भगवान का कृष्णा नाम ले लिया, बस अब उसका तुम्हारा काम हो गया। तो इतनी भगवान के रूप नाम लीला की कृपा है, जो एक बार भगवान का नाम लीला रूप को देख लेता है उसका भक्ति जीवन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक, तम नाग भोग परिवितम अदृष्ट चेष्टाम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा भृसरता कृष्णार्पितात्म सुहृद अर्थ कालात्र कामा दुखानुशोक भयमुधा धियो निपेतु। बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान को जब कालिया सांप ने लपेट लिया, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली,
और मोशनलेस एकदम स्तब्ध हो गए, जैसे कि वो अब प्राण नहीं रहे, बस एकदम ऐसे ही। अब जब उनके सखा ने देखा कि कृष्ण ऐसे स्तब्ध हो गए, तो वे सारे एकदम घबरा गए कि कहीं कृष्ण मर तो नहीं गए, ऐसे कैसे हो गया। अब कोई बोल सकता है कि भगवान तो देवादि देव जो है क्यों ऐसे कर रहे थे, उनके लिए तो बड़ी बात नहीं थी कालिय के साथ में युद्ध करना, पहले ही हार मान लिए, एकदम स्तब्ध रह गए, और वो भी एक मिनट दो मिनट के लिए नहीं, कुछ घंटों तक, यहाँ पे बोला गया कुछ मुहूर्त तक भगवान ऐसे ही रह गए। तो सब एकदम देखते रह गए कि ये क्या हो गया। अब कुछ वैष्णव आचार्य बोलते हैं भगवान जानबूझ के ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि साथ ही साथ अगर कालिया के साथ में युद्ध कर लिया और साथ ही साथ में उसको डिफीट कर लिया, तो राधा रानी तक खबर कौन पहुंचाएगा, वो आएगी, उसके लिए समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो रहती है बरसाना में, तब तक ये पूरा सब कुछ हो गया, वो फिर लास्ट में आएगी तो फिर मज़ा क्या आएगा। तो थोड़ा देर के लिए ऐसे ही रह गए। अब जब थोड़ा देर के लिए ऐसे रह गए तो सब खबर भेज कि नंद का लाला तो गया, तो अब सारे मैसेज भेजे, तो अभी बरसाना में वृषभानु महाराज बोलते अच्छा क्या हो गया उसको, बोलते वो ऐसे ऐसे कालिया नाग ने उसको पकड़ लिया। तो अभी वृषभानु महाराज बोलो चलो चलो हम लोग सब चलते, तो राधा रानी बोले मैं भी चलूँ, बोलते हाँ तुम भी चलो चलो सब लोग जाके देखते हैं क्या हुआ। अब कृष्णा खुश, अच्छा मेरा काम हो गया, आ गई, अच्छा अभी मैं शुरू करता हूँ। उसका तो इंतज़ार वही है कि वो आई कि नहीं आई, देखेगी तो मैं कुछ शुरू करूँगा। वैष्णव आचार्य बोलते कि हमारे कृष्ण भी ना एकदम वो बॉलीवुड हीरो जैसे है, भाई हीरोइन आए तभी तो मैं दिखाऊँ कि मेरे में कितनी शक्ति है, तब तक वो गुंडे लोग को मार लेंगे, उसके बाद में वो आएगी तो मज़ा क्या आएगा, वो खड़ी रहे फिर ये थोड़ा सा कुछ करे, यही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ऑडियंस चाहिए, सब लोग जब तक पहुँच जाए, पूरा हॉल भर जाए, अब जगह अब मैं दिखाता हूँ कैसे कालिया को मैंने मारा, बस यही है, नहीं तो भगवान को क्या है, उनको पाँच मिनट में उसको मार देंगे। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं बात तो कुछ और है, वो जान मुझ के मोशनलेस हो गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है अगर वो कालिया से ऐसा युद्ध करते हुए दिखाई दिए सपोज, तो सारे गोप सखा क्या करेंगे, अरे इसका तो कालिया के साथ युद्ध हो रहा है, हम लोग यहाँ खड़े रह के क्या करेंगे, चलो हम भी जाते हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनकी तो आदत थी जब भगवान गिरिराज को उठाए तो भी तो वो लोग लकड़ी लेके खड़े रह गए कि हम मदद करेंगे, तो ये बोलेंगे चलो चलो सब लकड़ी लेके चलते हैं हम भी मदद करेंगे, अगर सारे पानी के अंदर कूद गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब भगवान मोशनलेस हो गए, एकदम स्तब्ध हो गए, तो अब क्या हो गया, इतना बड़ा शॉक लग गया ये गोप सखाओं को कि अब उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। जब आपको बहुत बड़ा सी छोटा दुख होता है तो आप रोते हो, बड़ा दुख होता है ना तो रोना भी नहीं आता, मतलब एकदम एक इंसान सुनमुन हो जाता है और ना बुद्धि काम करती है ना कुछ काम करती है। तो अब अगर फाइटिंग करता हुआ दिखाई देता तो बुद्धि काम करती, अब जब देखा कि कृष्ण तो गया, सब सुनमुन हो गए, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही, कुछ तो वहाँ के वहाँ सीधे मूर्छित होके गिर गए, कुछ एकदम ऐसे स्तब्ध रह गए, किसी का ना आवाज़ निकल रही है ना कोई बुद्धि काम कर रही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान एकदम स्तब्ध रह गए, और वहाँ पे जो झाड़ थे, जो पक्षी थे, जो पशु थे, सब रो रहे हैं, और इवन जो कोई बाहर से आए हैं, कोई और गांव से आए हैं, कभी कभी पक्षी यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं ना, जो दूसरे गांव से आए वो भी ये पक्षियों को देख के वो लोग भी रो रहे हैं कि ये लोग क्यों रो रहे, तो वो लोग भी रो रहे हैं, और बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पंछी तोता रो रहा था बहुत जोर जोर से, मतलब आंसू आ रहे हैं, शाखा पे बैठा, एक झाड़ की एक शाखा पे बैठा हुआ है और वो रो रहा है। अब इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि रोते रोते वो बेहोश हो गया, बेहोश हो गया तो उसका बैलेंस लूज़ हो गया तो वो नीचे गिर गया, पर नीचे गिरा फिर भी उसको लगा नहीं। बोलो क्यों नहीं लगा, बोला इतना रोया कि नीचे छोटी सी नदी बन गई तो उसमें फ्लोट करने लगा, उतना रो रहे हैं सब रो रहे हैं, कृष्ण को ऐसी स्थिति में देख के सब रो रहे हैं। आपको रोना आ रहा है तो नहीं, हमें नहीं आ रहा है रोना, हमें नहीं आता है क्योंकि हमें कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे ये रो रहे हैं क्योंकि उनको कृष्ण के साथ संबंध है। हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में हज़ारों लोगों की मौत की खबर सुनते हैं, हमें रोना आता है, नहीं आता है।
कल ये मर गए, कल वहाँ अर्थक्वेक आ गया, कल इधर ये फ्लड आ गए केरला में, हमें रोना आया नहीं। पूरा पेपर भी अगर दूसरों की मौत से भरी हुई हो तो हमें रोना नहीं आता है, लेकिन कहीं पेपर के छोटी सी जगह में भी आपके ग्रैंडफादर की या आपके पिताजी की ऑबिचुअरी प्रिंटेड हो तो उसको देख के आप रोओगे, रोओगे ना। छोटी सी है ये, तो इतने सारे लोग मर गए, लेकिन वो छोटा सा भी आप देख के आप रोओगे। क्यों रोओगे? क्योंकि आपका उनके साथ संबंध है। हम नहीं रोते क्योंकि हम कृष्ण से संबंध बनाए ही नहीं हैं, हम कृष्ण से प्यार किए ही नहीं, हम तो कृष्ण से बिजनेस किए हैं। हम ये देंगे, तुम क्या दोगे? मैं इतना दूंगा, तुम मेरे लिए क्या करोगे? पर व्रजवासियों ने कृष्ण से बिजनेस नहीं किया था, वो कृष्ण से प्यार करते थे। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर एक वर्ड बोलते हैं कि ये जो सब यहाँ पे आए हैं कृष्ण को देखने के लिए, ये कोई सिनेमा देखने नहीं आए हैं, उनका अपना है वो जो वहाँ है सांप के गोद में, वो उनका अपना है, तो इसलिए वो रो रहे हैं। और कैसे आप बोल सकते हो कि वो उनका अपना है? यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्णेर पिता आत्मा, उन्होंने कृष्ण को अर्पित किया। क्या अर्पित किया? शरीर नहीं, आत्मा, अपनी आत्मा ही कृष्ण को अर्पित कर दी। सेकेंड वर्ड बोला सुहृद, वो कृष्ण को अपना दोस्त मानते हैं, दोस्त माने बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। अर्थ, अपने पास जो था पैसा वैसा जो सब कुछ कृष्ण का। कलात्र, अपनी पत्नी बच्चे परिवार सब कृष्ण को अर्पित। काम, अपनी इच्छाएं वो भी कृष्ण को अर्पित। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हम कितने भी भक्ति में आ जाए हमारी थोड़ी इच्छाएं हम रखते, इन्होंने सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। और जिनको उन्होंने ये सब कुछ अर्पित कर दिया, अपना आत्मा, अपना शरीर, अपना मन, अपनी इच्छाएं, अपना परिवार, अपना अर्थ जिनको कर दिया, वो अब कहाँ है? कालिय के गोद में। तो इमेजिन करिए उनको क्या हो रहा होगा, वो मर गए हैं, खड़े खड़े ही मर गए हैं। उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, जो हमारा जीवन है वो अब उसका जीवन अब कालिया के हाथ में है। कुछ वैष्णव आचार्य बोल रहे कृष्ण जानबूझ के देरी कर रहे हैं कालिया को मारने के लिए, उनको अच्छा लग रहा है सबका प्यार देखने के लिए, और विरह में उनका कृष्ण के लिए प्यार बढ़ रहा है। जब कोई हमारे साथ होता है, पास होता है, हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, जब वो इंसान हमसे दूर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा विरह होता है। तो अब यहाँ यही हो रहा है, वो लोग सब रो रहे हैं कृष्ण के लिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कि कृष्ण उनका है, कृष्ण इज देयर प्रॉपर्टी, व्रजवासियों की प्रॉपर्टी है, और व्रजवासी कृष्ण की प्रॉपर्टी है, कृष्ण के अपने हैं वो, कृष्ण उनका सुहृद है। हम जब भक्ति जीवन में आते हैं, हम कृष्ण को हमारा दोस्त मानते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ हम सबको अपना दोस्त मानते हैं। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरे रिलेटिव्स, ये सब मेरे दोस्त हैं, कृष्ण भी मेरा दोस्त है। लेकिन जब हम भक्ति में थोड़ा आगे जाते हैं तब हम समझते नहीं, नहीं सारे मेरे दोस्त हो सकते हैं लेकिन कृष्ण तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा दोस्त है कृष्ण, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जब हम भक्ति में सही मायने में आगे जाते हैं तब हम सोचते नहीं, कृष्ण मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कृष्ण इज़ नॉट माय बेस्ट फ्रेंड, कृष्ण इज़ माय ओनली फ्रेंड, बाकी सब तो फ्रेंड बोलने के भी लायक नहीं है, कृष्ण इज़ माय ओनली फ्रेंड। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ते तब हमें ये बात समझ में आती है, नहीं तो अब तक तो हमारा ऐसा है कि सारे मेरे फ्रेंड हैं, कृष्ण भी मेरा फ्रेंड है, नहीं कृष्णा इज अवर ओनली फ्रेंड। और ये व्रजवासियों की भावना थी, फॉर देम कृष्णा वॉज एवरीथिंग, उनका सर्वस्व था कृष्णा, और वे रो रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। गावो वृषा वत्सर्या क्रंदमाना सुदुखिता कृष्णे न्यस्ते क्षणाभीता रुदंत्या इवतस्थिरे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉट ओनली गोप सखा, वहाँ पे जितने भी जानवर है, गाया है, गाय के बछड़े हैं, वे सब रो रहे हैं। फिक्सिंग देयर आईज ऑन हिम, सबकी आंखें कृष्ण के ऊपर में है और वे रो रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं दे आर कॉलिंग आउट,
वो गाय के बछड़े गाय भी उनको बुला रहे हैं अपने अपने भाषा में, कृष्ण को बुला रहे हैं, शायद वो आवाज़ कर रहे हैं, मुँह कर रहे हैं और कृष्ण को प्यार से बुला रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी गोप सखा है वो भी सब कृष्ण को, कुछ तो ऑलरेडी बेहोश होके गिर चुके हैं और जो कुछ होश में है वो कृष्ण को बुला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे कृष्णा हे यादवा हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती। क्या बोल रहे हैं? हे कृष्णा हे यादवा हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती। हे गोविंदा हे दामोदर हे माधव, हाँ बोल रहे हे यादव हे सखा हे कृष्णा, सब बुला रहे कि तुम क्या हो गया, तुम ठीक तो हो, तुमको क्या हो गया, कुछ तो बोलो, आंख तो खोलो, क्या हो गया तुमको। फिर हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। अथा व्रजे महोत्पातास त्रिविधा ही अतिदरुणः उत्पेतोर्भुवि दिवि आत्मनि असन्न भयासंसिनः। बोल रहे कि अब क्या हुआ, वृंदावन में सारे अपशकुन होने लगा। अपशकुन माने कभी कभी जैसे कुछ बुरा होने वाला होता है तो सब अमंगल चिन्ह दिखाई देते हैं ना, सब अपशकुन। तो अब तीनों जगह से अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, धरती से, आकाश से और लोगों के शरीर पे। अब धरती से कैसे अपशकुन दिखाई दे रहा है, तो पूरा धरती जो है हिल रही है, झटके मार रही है। और आकाश में क्या हो रहा है, जो मीटियोर्स है वो सारे नीचे गिर रहे हैं। और लोगों को क्या हो रहा है, उनका जो शरीर है, जैसे बोला जाता है ना कि आपकी जब आँख फड़के, दाहिनी आँख अगर फड़के तो शुभ होता है जेंट्स के लिए, और बाईं आँख अगर फड़के तो अशुभ होता है। लेडीज़ के लिए उल्टा होता है, उनके लिए अगर बाईं आँख फड़कती है, मतलब लेफ्ट आँख फड़कती है तो अच्छा है। तो ये सब हो रहा है, सबके उल्टे उल्टे अंग फड़क रहे हैं और हाथ भी हिल रहा है बिना कारण के। तो जब लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी हिलता है, मतलब कुछ अपशकुन होने वाला है। अब पूरे वृंदावन में सबको ये अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, सबको चिंता होगी कि कुछ तो हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, अपशकुन सारे ये सारे चिन्ह ऐसा हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, ज़रूर कृष्ण को कुछ तो हुआ है। सब एकदम चिंता मग्न हो गया है। पहले के लोग इतना सत किए हुए थे, इतने पुण्य किए हुए थे कि उनके जीवन में जो होने वाला है वो शकुन या अपशकुन उनको पहले ही पता चल जाता था। अब हमारे लिए वो अप्लीकेबल नहीं है, ये राइट लेफ्ट, अगर आपकी लेफ्ट आँख फड़क रही हो तो आप ENT के पास चले जाओ कि आपको कोई शकुन अपशकुन, क्योंकि हमने इतने पुण्य नहीं किए ना, ये शकुन अपशकुन कौन भेजता है, देवता लोग भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, क्योंकि आपने इतना पुण्य किया हुआ होता है कि आपको इन्फॉर्म करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते कि माता जी कंस को उस दिन आकाशवाणी ने क्यों बताया कि आठवां पुत्र देवकी का तुम्हें मारेगा, अगर नहीं बताते देवता लोग चुप रहते तो वो नहीं मारता ना, देवकी के 6 पुत्रों को उन्होंने मार दिया, तो आकाशवाणी क्यों हुई। इसका एक पूरा लॉजिक मैं आपको समझाती हूँ। आप जब पुण्य करते हो तो देवता लोग आर ऑब्लाइज्ड, उनको बताना ही पड़ेगा आपको कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनको सारे सिम्टम्स भेजने पड़ते हैं। इट्स फॉर एग्जाम्पल अवर, आप रिलायंस में शॉपिंग करते हो, ओके रिलायंस में आप जाते हो तो शॉपिंग वॉपिंग करते हो ना, शॉपिंग करते हो तो क्या होता है, अगर आप रेगुलरली वहाँ पे शॉपिंग करो ना तो आपको एक कार्ड देते हैं, आप रिलायंस के एस्टीम कस्टमर हो जाते हो। उसके बाद में अगर किसी चीज़ पर डिस्काउंट हो तो पहले आपको SMS भेजेंगे, भाई आटे पे 10 रुपये की छूट है, रिन सब्बू पे 5 रुपये की छूट है, तो आपको पहले मैसेज पहुँच जाता है क्योंकि आप उनके कस्टमर हो। ऐसा नहीं कि आपको रिलायंस के सेल्समैन के साथ कोई विशेष संबंध है, आप कस्टमर हो, आपको मैसेज तो भेजना ही पड़ेगा। उसी तरह से कंस ने भी इतने पुण्य किए थे, ही वॉज एन एस्टीम्ड कस्टमर, तो अब जो होने वाला है दे हैव टू सेंड मैसेज, उसको मैसेज तो भेजना ही पड़ेगा कि भाई साहब आपके जीवन में ये होने वाला है, हमने तो पहले ही बता दिया। तो ये आकाशवाणी होना, ये शकुन अपशकुन, तो उस जमाने में वो लोग ऐसे पुण्य करते थे कि उनका जो है सब कुछ पहले ही उनको पता चल जाता था। तो यहाँ पे तो व्रजवासी हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो इनको जो मैसेज चला जा रहा है कि भाई कुछ तो अपशकुन होने वाला
अब एक प्रश्न हमको आ सकता है, इसमें अपशकुन क्या हुआ? भगवान को तो कुछ नहीं हुआ, ये तो एक खेल है, फिर देवता लोगों ने क्यों भेजा? अपशकुन का सारे चिन्ह या सिम्टम्स या सब क्यों भेजा? क्योंकि अपशकुन तो कुछ नहीं है, भगवान तो एक्टिंग कर रहे, थोड़ी देर में उठ जाएंगे और फिर कालिया को मार देंगे, ये तो एक आनंद की लीला है, फिर अपशकुन के सिंबल्स या चिन्ह आए क्यों व्रजवासियों को? वैष्णव आचार्य बोलते इसीलिए आए क्योंकि वहाँ तट पे जो लोग खड़े थे ना, गोप सखा तो खड़े ही थे, उसके अलावा भी वहाँ आसपास के जंगलों में जहाँ कोई और काउहर्ड मैन अपनी अपनी गायों को लेके आए थे, या क्या कोई वहाँ कोई घास काट रहा है, कोई दूर में शायद कोई फल तोड़ने आया है, तो वो लोग भी ये आवाज़ सुन के यहाँ पहुँच चुके थे। जब कृष्ण कालिया दह में खुदा, जब जोर से आवाज़ आया, पानी एकदम तट के बाहर आ गया, तो दूर दूर के जंगलों में भी जो थे वो सब वहाँ आके खड़े रह गए। अब ये लोग सब कौन हैं? भगवान के प्योर डिवोटीज़ हैं, और इनका साथ क्या हो रहा है? वो जब कृष्ण को ऐसी सिचुएशन में देख रहे हैं तो वो रो रहे हैं, और जहाँ भगवान के भक्त रोते हैं उससे ज़्यादा अमंगल कुछ भी नहीं है, इसीलिए सारे अमंगल चिन्ह देवता लोग भेज रहे हैं। जहाँ पे भक्त का हृदय पीड़ित है, दुखी है, वो पूरी जगह, क्योंकि जहाँ भगवान के भक्त दुखी है भगवान वो नहीं देख सकते। अगर आपको याद हो, महाभारत में कथा आती है कैसे पांडवों को एक साल अज्ञातवास पे जाना पड़ा। तो जब वो अज्ञातवास पे जाते हैं तो वो विराट देश में रहते हैं, और युधिष्ठिर वहाँ पे कंक भट्ट बन के जो है राजा का एंटरटेनर जो होता है ना, उनके साथ पासे खेलना, वैसे वो वहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं, और भीम रसोईया बन जाता है, और नकुल सहदेव घोड़ों को देखने वाला बन जाता है, द्रौपदी दासी बन जाती है रानी की, और अर्जुन जो है उसको तो श्राप था उर्वशी का, तो वो एक साल नपुंसक बन जाता है, तो वो रानी की बेटी को डांस सिखाता है। अब हमें सबको पता है कि लास्ट में ऐसा होता है कि उनका जो बेटा है, विराट राज का बेटा है, वो युद्ध पे जाता है सारे हस्तिनापुर से आए हुए योद्धाओं के साथ, और जो युद्ध में वो अकेला जाता है, और उसके साथ में अर्जुन को लेके जाता है, जिनको वो बृहन्नला से बुला नाम से बुलाते थे। तो जब वो वॉर जीत के आ जाता है तो राजा बहुत खुश होता है, सबको गिफ्ट दे के बोलता है कि देखो मेरा बेटा तो कितना स्ट्रांग है, सारे कौरवों को सिंगल हैंडेडली उसने हरा दिया। तो युधिष्ठिर का मुँह से निकल जाता है कि जीत तो होना ही था क्योंकि उसके साथ तो बृहन्नला गई थी। अब राजा को गुस्सा आता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो तो एक पूर्ण पुरुष भी नहीं है, वो तो एक नपुंसक है, वो क्या मदद करेगा मेरा बेटा का, तुम पागल है क्या? लेकिन फिर एक दो बार बातों बातों में जब वो लोग खेलते हैं, फिर उसके मुंह से निकल जाता है कि बृहन्नला जब है तो जीतेगा ही जीतेगा। इस बार उसको गुस्सा आता है, वो पासे लेके युधिष्ठिर के मुँह पर फेंक देता है। जैसे युधिष्ठिर के मुँह पर पासे फेंकता है, रक्त बहना शुरू हो जाता है। जैसे रक्त बहना शुरू हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज रक्त को हाथ में पकड़ लेते हैं, बहने नहीं देते। तभी वहाँ पे द्रौपदी आती है और सब, युधिष्ठिर महाराज इमीडिएटली क्लीन करते हैं और द्रौपदी को बोलते हैं कि मेक श्योर मेरे रक्त की एक बूंद भी यहाँ नहीं गिरनी चाहिए। क्यों? कि युधिष्ठिर महाराज का इतना सत था कि उनको तकलीफ दिया हुआ अगर एक बूंद भी रक्त वहाँ गिरता तो पूरा विराट नगर जल जाता था। तो उनको नहीं चाहता, वो नहीं चाहते थे कि जल जाए, क्योंकि उनको तो लगा कि इन्होंने हमको, हम पे आभार किया है, हम पे उपकार किया है, एक साल हमें रखा है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिनसे उनकी उनके हार्म हो या उनका नुकसान हो। तो इसलिए वो बोलते नहीं, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो जहाँ भक्तों को अगर कोई कष्ट देता है तो इमीडिएटली उसका जो रिजल्ट होता है अनबेरेबल, और यहाँ पे कष्ट हो रहा है ना भक्तों को, वो एकदम दुखी है, पीड़ित है, रो रहे हैं, भगवान को देख नहीं पा रहे, इसलिए सब कुछ अपशकुन, पूरा वृंदावन में एकदम सब अशकुन, अपशकुन के चिन्ह देवताएं भेजना शुरू कर देता। नेक्स्ट श्लोक पे चले जाएंगे। तन अलक्ष्या भयोद्विग्ना गोपनंदा पुरोगमा विना रमेन गा कृष्णम ज्ञात्वा चरयुतम गतम तेर्दुर्निमितेर निधानम मत्वा प्रतम अतद्विधा तत्प्राणस्तन्मनस्कस्ते दुःखशोका भयातुरा आबला वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तया
निजागमूर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा, ये सारे अमंगल चिन्ह देख के ये लोग सब अभी सोच में आ गए। दूसरे लोग जो अपने अपने घरों में है, अपने अपने काम में बिजी है, सब सोच रहे कि कुछ तो हुआ है, सब कुछ इतना इनऑस्पिशियस क्यों लग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, कृष्ण, ज़रूर कृष्ण को कुछ हुआ है। सी दैट शोज़ हाउ मच लव दे हैव फॉर कृष्ण। इवन एक साधारण माँ बाप भी, अगर बारिश आती है, थंडर लाइटनिंग होगी, तो सबसे पहले आपको याद आएगा आपका बेटा स्कूल से आ गया, स्कूल में है, खिड़की ठीक से बंद की होगी नहीं होगी, बारिश में भीग गया होगा। जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, सबसे ज़्यादा बुरा ख्याल उसके बारे में ही आएगा। अगर वो पर्सन 10 मिनट भी लेट आए, क्यों लेट हुआ होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कि रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया। जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करोगे उसके बारे में ऐसे विचार आते रहेंगे। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा सब प्यार करते हैं कृष्ण को। सो जैसे ही सब कुछ अमंगल हुआ, कृष्ण कृष्ण को कुछ हुआ लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सब कुछ। किसी को अपने बच्चे याद नहीं आए जो कृष्ण के साथ गए थे, उनको किसी को अपने बच्चे, सब बोले कृष्ण को कुछ ज़रूर हुआ है। तो तभी का तभी सब क्या करते हैं, ज्यों के त्यों जिसके हाथ में जो है वहीं का वहीं फेंक के सब भागे। कहाँ भागेंगे, उनको पता है क्या कृष्ण कहाँ है? पता नहीं है। चलो वॉक तो करना शुरू करते हैं। कृष्ण जहाँ जहाँ चलते थे उनके पैरों के चिन्ह बन जाते थे, तो चलो जहाँ जहाँ कृष्ण के पैर के चिन्ह वहीं वहीं चले जाएंगे, लेकिन निकले तो बाहर, देखे कृष्ण का क्या हुआ है, सब एक साथ में। तो सब अपने अपने घरों से सारे, सी इमेजिन, कोई सायरन नहीं बजा था, हेलो कृष्ण को ऐसा हुआ है सब आ जाइए, सिर्फ सबको अमंगल फीलिंग हुई और सब कृष्ण को ढूंढने के लिए बाहर आ गए। किसी ने भी मन में ये नहीं सोचा कि अच्छा तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं घर वर लॉक करके थोड़ा सा साड़ी वाड़ी ठीक करके मैं आती हूँ। सब जहाँ जैसे सब फेंक दिया आगे। किसी ने भी ये नहीं बोला कि आप जाके ज़रा फाइंड आउट करें, मेरे तो आज घर में काम वाली आई नहीं है, मैं थोड़ा सा काम वाम करके निकलती हूँ, आप ज़रा पहुँचिए बताइएगा कृष्ण को क्या हुआ। जो जिसके हाथ में जो था वहीं का वहीं सब कुछ फेंक दिया सीधा कृष्ण की ओर। नहीं, हम सोचते हैं ना कृष्ण व्रजवासियों को इतना प्यार क्यों करता, ये है व्रजवासियों का प्यार। उनका मेन बिजनेस है कृष्ण को प्यार करना, बाकी सब कुछ साइड बिजनेस है। हमारा मेन बिजनेस है पैसा कमाना, बाकी मंदिर आना साइड बिजनेस। कभी जाएंगे, संडे को फ्री रहेंगे तो, खाली रहेंगे तो जाएंगे, मौका मिलेगा तो जब करेंगे, जाएंगे तो जाएंगे, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे जीवन में वो। लेकिन व्रजवासियों के जीवन में वो ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब वेस्ट है। उसमें से फुर्सत मिली तो, कृष्ण को प्यार करने के बाद कुछ फुर्सत मिली तो दूसरा काम करेंगे। हमको पहले हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। आप मंदिर क्यों नहीं आ रहे, नहीं नहीं ये काम है, वो काम है, ये काम है। सबका एक ड्रीम ये है कि जब मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ ठीक हो, मेरे घर में सारे सेटल हो जाए, सब प्रॉपर्टी वॉपर्टी जो खरीदना है सब कुछ हो जाए, बीच फ्रंट में हाउस हो, मैं अच्छा से बैठूं, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटी का शादी हो जाए, बेटा का शादी हो जाए, ग्रैंड चिल्ड्रंस की पढ़ाई, तब मैं आऊँगा मंदिर। भैया तब तक तुम जियोगे कि नहीं पता नहीं, वो कब होगा, वो सब ठीक कब होगा। ये तो ऐसा है ना कि एक आदमी समुद्र के पास में खड़ा हुआ था, समुद्र में तरंगे आ रही थी, किसी ने पूछा भैया तुम एक घंटे से खड़े हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बोलते नहीं नहीं मैं समुद्र में नहाना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जब तरंगे बंद हो जाएगी ना तो तब मैं जाके नहाऊँगा। फिर बोले भैया समुद्र की तरंगे तो कभी बंद नहीं होगी, तुमको नहाना है तो अभी नहा लो, ये हमारा लाइफ है। प्रॉब्लम जब सारे बंद हो जाएंगे ना तब तो मैं मंदिर, तब काम क्या है माता, तब मैं मंदिर ही आऊँगा, तब तो मैं मंदिर ही आऊँगा, ये हमारी बात है। माता जी अभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जब ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे तब मैं मंदिर। भैया सारे प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगे, क्योंकि ये तो समुद्र की तरंग के जैसा है, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे तो नया प्रॉब्लम आएगा, और जिस दिन सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे उस दिन तुम ही सॉर्ट आउट हो जाओगे, तुम ऊपर होंगे, तुम और क्या होगा, आना है तो अभी आना है। ये तो ऐसा है ना कि कोई डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हो, तुम बोले नहीं मेरे को सर्दी है ना इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ। अरे भाई तुमको सर्दी है तो तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं जब सर्दी ठीक हो जाएगी ना तब मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास, ये तो बेवकूफ़ी है। तुम्हारी सर्दी जब है तुमको तभी जाना है, जब प्रॉब्लम्स है लाइफ में तुम जाओ, कृष्ण का हाथ पकड़ो, नहीं प्रॉब्लम सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे ना मैं तब जाऊँगा, क्यों
कृष्ण का हाथ पकड़ो सुख में दुख में. वो क्या है भजन, बोल हरि बोल. सुखे भजो दुखे भजो बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. सुख में या दुख में बोल हरि बोल. सुख का इंतजार मत करो कि सब ठीक होगा तब मैं आऊँगा. हमारी तो दुर्दशा ये है कि 365 डेज हम हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में रहते हैं, और 365 डेज में से अगर कोई चार दिन के लिए वृंदावन आने के लिए बोले तो भी बोलते हमारे पास समय नहीं है माता जी, समय नहीं है वृंदावन आने के लिए, हमारे पास समय नहीं है. हज़ार बहाने, बेटी का ये प्रॉब्लम है, बेटा का ये प्रॉब्लम है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, इसलिए तो हम नहीं आ सकते. मैं कहूँ तुम्हारी लाइफ यूजलेस है, यूजलेस है. 365 डेज में चार दिन भी अगर तुम भगवान के लिए नहीं निकाल सकते हो तो फिर तुमने किया क्या, पूरा जीवन जक मारा क्या? तुम इतना भी नहीं कर पाए अपने जीवन को ऑर्गेनाइज कि 365 डेज में से मैं चार दिन भगवान के लिए निकाल सकूँ, उतना भी तुम अपने जीवन को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए तो तुम में और एक जानवर में क्या फ़र्क है? एक जानवर भी पूरा दिन इसी में बिजी रहता है, क्योंकि जानवर का कोई बैंक अकाउंट नहीं होता ना, तो वो 365 डेज बिजी होता है. आज का खाना उसको आज ही जमा करना पड़ता है. पर तुम तो बुद्धिमान हो, तुम तो इतना जमा करके रखे हो, आने वाली 10 पीढ़ी को काम ना करना पड़े उतना तुम जमा करके रखे हो, फिर भी तुम्हारे पास भगवान को देने के लिए चार दिन नहीं है. शर्म की बात है. कोई शादी बोलो कुछ बोलो तो चले जाएंगे, वृंदावन बोलो तो ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है तो ये है तो इसलिए हम नहीं आ सकते. अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, ये मनुष्य जीवन उसी के लिए है. तुम अपने इतने ऐशो आराम, इतना गाड़ी पैसा का क्या करोगे अगर तुम चार दिन भगवान के धाम में भी नहीं आ सकते? तो तुम्हारा इतना पैसा क्या फ़ायदा? उससे तो साधारण भक्त कितने खुश है, बेशक उनके पास कुछ नहीं है लेकिन हर साल वृंदावन मायापुर भगवान के धाम में घूमेगा. और तुम्हारा इतना विलास, इतना ऐश्वर्य, लेकिन तुम इतने भिखारी हो, तुम्हारे पास चार दिन नहीं है भगवान के लिए, चार दिन नहीं निकाल सकते 365 डेज में से. फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा ये सारे पैसे का, क्या फ़ायदा? मानव जीवन जब मिला है तो उतना तो अपना लाइफ को ऑर्गेनाइज करो कि नहीं बस मेरे आध्यात्मिक पोषण, मेरी आत्मा के लिए ये मेरे दिन तो भगवान के हैं, रोज़ इतने घंटे भगवान के, 24 घंटे में से इतना तो मेरा जप के लिए, इतना तो मेरे वांछन के लिए, इतना तो मेरे सेवा के लिए. प्रॉब्लम ये है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज़ अवर साइड बिजनेस. साइड बिजनेस भी नहीं, टाइम पास, सात्विक टाइम पास. लोग सिनेमा थिएटर में टाइम पास करते हैं, होटल में टाइम पास करते हैं, हम थोड़ा सात्विक टाइम पास करते हैं, थोड़ा देर मंदिर आते हैं, एक दो घंटा प्रवचन सुनते हैं, आरती कीर्तन करते हैं. यहाँ पे भगवान के लिए सब रो रहे हैं, गाय वृंदावन के वासी सब बछड़े सब रो रहे हैं. हमारा उल्टा है, भगवान हमें देख के रो रहा है कि बंदा इतने महीनों से इतने सालों से हर रविवार आता है, खाता पीता चला जाता है, भक्त कब बनेगा ये? ऐसा भगवान हमें देख के रो रहे, ये भक्त कब बनेगा? अभी भी भौतिक इच्छाएं कम नहीं हुई है. कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे लिए एक साइड डिश है, हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, माय डियर लॉर्ड प्लीज़ मेक कृष्णा कॉन्शियसनेस अ फर्स्ट प्रायोरिटी इन माय लाइफ. ये जो माया का पर्दा मुझ पे आ गया है ना, उसको हटाइए. सही क्या है, गलत क्या है, मुझे दिखाइए. मेक कृष्ण कॉन्शियसनेस अ फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ. तो आज हम कृष्ण को यहीं छोड़ देते हैं, कालिय के साथ में लपेटे हुए, और फिर हम कोई और दिन कृष्ण को वहाँ से निकालेंगे. आज के लिए यहीं ख़त्म करेंगे. श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. सब कृष्णा कृष्णा.